Hello everyone, am I audible? Yep. Yes, okay, Sanjay, thank you. Omkar Singhji, thank you. मेरी आवाज क्लियर आ रही है, एक बार मुझे ये बता दो प्लीज, एक बार एक यस टाइप कर दो अगर मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है। ओके, ठीक है राजीव जी, ओके वन प्लस। गाइस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी इस क्लास से स्टार्ट होने से पहले, यार जिन किसी का भी नाम ये वन प्लस या फोन के नाम से आ रहा है ना, ओमकार जी इज सेइंग साउंड नॉट गुड, गाइस कुड यू टेल मी इफ चैट पे। ओके साउंड नॉट क्लियर ठीक है, एक जस्ट अ सेकंड गाइस। यार अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही है, प्लीज एक बार मुझे बता दो चैट में अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है। ओके नाउ ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके संजय जी, निकम जी, ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। यार चलो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ, फिर आप लोग मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना, ठीक है चलेगा। तो यार माई नेम इज दिग्विजय सिंह एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम शिमला हिमाचल प्रदेश। And this class is being conducted by the Future University. The Future University is an online edtech platform. And is Future University ne abhi tak 20,000 se zyada student pass kar diye hai. Aur ye ek Mohali based company hai. Chat mein likho aap kahan se ho? ताकि आप और मैं इंटरेक्ट कर सके। ओके एस गणेश जी फ्रॉम तेलंगाना, वेलकम एस गणेश जी। यार आई नीड मोर रिस्पांस यार गाइस, कम ऑन। ओके रजन थॉमस जी फ्रॉम चेन्नई, ओके चेन्नई वेलकम सर। ओके समकित जैन जी इज फ्रॉम हमारी इंट्रोडक्शन चल रही है, मैं कॉन्टेक्ट को लॉन्च कर रहा हूँ। ये लैंग्वेज को डिसाइड करेगा किस दिख रहा है क्या, या मैंने आपके सामने लैंग्वेज पोल शेयर किया है, आप जस्ट शेयर की आप लोग किस लैंग्वेज में ये क्लास लेना क्लास चाहते हो। ओके संजय कुमार जी फ्रॉम जयपुर, ओके राजीव जी फ्रॉम शिलोंग, वेलकम राजीव जी। प्रवीण पटेल जी फ्रॉम राजस्थान, नाइस राजस्थान सर, इट्स अ ब्यूटीफुल जगह है। शिलोंग इज आल्सो अ नाइस प्लेस, शिलोंग इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। ओके आई एम गेटिंग रिस्पॉन्स ऑन लैंग्वेज पूल, आई हैव 41% इन हिंदी। ओके मेरी साउंड क्लियर नहीं आ रही है, जस्ट गिव मी वन मिनट।
यार गाइस मुझे ये बताओ, अभी मैं ऑडिबल आ रहा हूँ, मैंने अभी अपना नेटवर्क चेंज किया है यार, एक बार दिस इज प्रॉब्लम। यस ऑडिबल, ओके ओके नाइस, आई एम ऑडिबल ठीक है। तो आई गेस लैंग्वेज पोल हो चुका है हमारा। लैंग्वेज पोल में मुझे 45% रिस्पॉन्स मिला है कि हिंदी एंड इंग्लिश, और 36% लोग चाहते हैं कि इंग्लिश में ये क्लास हो। ओके सो यार मुझे 34% लोगों ने रिस्पॉन्स किया है कि वो लोग हिंदी में चाहते हैं, तो यार ये क्लास मेजरली हिंदी में रहेगी और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे वो दोनों हिंदी और इंग्लिश में करेंगे ठीक है। तो यार मुझे अब मैं एक और पोल लॉन्च कर रहा हूँ, लॉन्चिंग एन अनदर पोल ठीक है। तो मुझे एक सेकेंड ठीक है, मैंने यार आप लोगों के सामने एक एक्सपीरियंस पोल लॉन्च किया है ठीक है। तो मुझे आप लोग बता दो आप लोगों की इतना एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग साइड में ठीक है। अगर आपको नो एक्सपीरियंस है तो नो एक्सपीरियंस पोल करो, और अगर आपको मोर देन 3 इयर्स है तो 3 इयर्स करो, लेस देन 1 ईयर यार दिस विल डिसाइड कि आपकी क्लास किस तरीके जाएगी। सर उसी तरीके से अपने स्टूडेंट्स को हैंडल करेंगे। ओके आई एम गेटिंग रिस्पॉन्स 26 ठीक है, लेस देन 1 ईयर। आई कैन सी दैट मेजरली बिगनर्स है हमारे साथ, 35% लोग कह रहे हैं कि दे हैव एक्सपीरियंस लेस देन 1 ईयर। यार मेजरली तो मुझे 40% लोग लग रहे हैं जो कि लेस देन 1 ईयर है ठीक है यार। तो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको मास्टर क्लास कॉन्टेस्ट से इंट्रोड्यूस कराता हूं। मेरी स्लाइड विजिबल है, हाँ ठीक है यार, मैं आपको क्विकली मास्टर क्लास कॉन्टेस्ट से इंट्रोड्यूस करवा लेता हूं ठीक है। आप इस क्लास में 10,000 तक का प्राइस जीत सकते हैं, और साथ ही साथ आप Amazon vouchers भी जीत सकते हैं और ebooks भी जीत सकते हैं ठीक है। यार बस आपको कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, पहली कि आपको क्लास एंड तक अटेंड करनी है ठीक है, दूसरी यार आपको क्लास में कैमराज ऑन रखने और फोकस रहना है, तीसरी और आपको चैट में इंटरेक्टिव रहना है, आपको कुछ भी क्वेश्चन आएंगे आपको वहां पे लिखना है, और मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं सर तक पहुंचाऊं और आपके सारे डाउट्स क्लियर करूं ठीक है। यार बिफोर गोइंग टू द मास्टर क्लास कॉन्टेस्ट ठीक है, मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस करना चाहता हूं ठीक है, कि आप यहां पे आए हो, ये काम मास्टर क्लास फ्री नहीं है, आप यहां पे आए हो यार, आप अपना 2 घंटे दे रहे हो, तो यार मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अपने कैमराज और इस क्लास को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यार अगर आपने 2 घंटे यहां पे दे दिए तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि यार आप ट्रेडिंग के उस लेवल तक पहुंच जाओगे जहां पे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपके लॉसेस हो रहे हैं, सर आपको बताएंगे रिस्क मैनेजमेंट, और आपके देखना इस क्लास के बाद लॉसेस खत्म हो जाएंगे बिल्कुल एकदम ठीक है। तो यार अब मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं कमलप्रीत सर को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। अच्छा बिफोर दैट मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों को एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ये क्लास आपने लगाई आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जहां पे आपका यार दिस आपका सर्टिफिकेट ऐसा कुछ दिखेगा। तो अभी मैं आपको पहले कमलप्रीत सर के इंट्रोडक्शन देता हूँ ठीक है। तो यार कमलप्रीत सर इज द को फाउंडर ऑफ IIFM Academy, दिस इज इन चंडीगढ़, और ही इज द CEO ऑफ कैंडलिया कैपिटल लिमिटेड ठीक है, और इन्होंने अभी तक 1000 से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ा दिए है, जो कि अभी तक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं ठीक है। यार अभी मुझे चैट में बस एक बार ये बता दो कि क्या आप लोग एक्साइटेड हो इस क्लास के लिए, मैं तभी सर को इनवाइट करूंगा माइक पे अगर आप लोग एक्साइटेड हो क्लास यार, एक एक्साइटेड टाइप कर दो चैट में यार, स्पैम कर दो प्लीज। यार एक ही रिस्पांस, कम ऑन यार, आप लोग को बहुत एक्साइटमेंट दिखानी है। एक्साइटेड एक्साइटेड यस, बट फिक्स योर ऑडियो, I'm trying, but there is some issue from my side. Okay, excited. बहुत सारे excited दिख रहे हैं मुझे। तो यार मैं आप लोगों का ज़्यादा time नहीं लूँगा, मैं कमलप्रीत सर को invite करता हूँ। कमलप्रीत सर, am I audible?
Hello. Hi, Kamal please, sir. How are Hello, you? I'm very fine. Yes, Digvijay, you are audible to me. How are you? I'm fine, sir. So, sir, before going further, मैंने प्रॉमिस किया है कि यार आज ये दो घंटे में वो सीख के जाएंगे जो इन्होंने कभी पहले नहीं सीखा होगा, ठीक है? और 40% सर हमारे पास बिगनर्स है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये क्लास एज अ बिगनर के साथ बिगनर्स के साथ चलती रहे, मतलब लेस देन वन ईयर इन लोगों को एक्सपीरियंस है. और काफी सारे मैं चैट में इंटरेक्ट भी कर रहा था, काफी सारे लोगों को लॉसेस हुए और लैंग्वेजेस में कर देंगे, ठीक है सर? ओके, थैंक यू दिग्विजय. थोड़ा सा आपकी तरफ से वॉइस की जो है वो क्लैरिटी अच्छी नहीं आ रही थी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपकी वॉइस है प्लीज इसको मेक श्योर करना नेक्स्ट टाइम के लिए. सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर. और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है आई एम गोना शेयर विद यू, आपको उसका बहुत बेनिफिट मिलने वाला है. और थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूँ. दिग्विजय, आई एम ऑडिबल टू यू क्लियरली? ओके, थैंक यू, थैंक यू. तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ तकरीबन 14 साल से. 2009 में मैंने स्टॉक मार्केट में अपना पहला कदम रखा था और 2009 से लेकर आज 2023 है कंटिन्यूसली मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, वर्क काम कर रहा हूँ. करीबन पाँच से छः साल मैंने प्रॉप ट्रेडिंग डेस्क पे काम किया है. प्रॉप ट्रेडिंग डेस्क का मतलब है कि वो पोजिशन जहाँ पे आप कंपनी के लिए काम करते हो, ट्रेडिंग करते हो, और कंपनी आपको फंड्स देती है, ट्रेनिंग देती है, जहाँ पे आप कंपनीज के लिए ट्रेडिंग करते हो और प्रॉफिट जनरेट करते हो और उसमें से आपका शेयरिंग रहता है. देन अब मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया है ICICI HDFC ग्रुप्स के साथ इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. देन इन सिंस 2017 मैं हूँ अपने बिजनेस के अंदर जिसमें हम पोर्टफोलियोज का ट्रेडिंग का काम देखते हैं और साथ ही साथ एज अ हॉबी हम ट्रेनिंग भी देते हैं जिसके अंदर हम जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, बड़े ट्रेडर्स हैं, वो किस तरीके से मार्केट में काम करते हैं, किस तरीके से रेगुलर प्रॉफिट जनरेट करते हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को सिखाते हैं. तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी अगर सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको भी वही चीज़ें फॉलो करनी होगी जो बड़े अच्छे ट्रेडर्स या जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जो टेक्निक्स फॉलो करते हैं. सो ये सारी चीज़ें जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ मुझे पता है, क्योंकि जब मैंने अपना ट्रेडिंग करियर शुरू किया था तो साल के 2-3 साल मैंने धक्के खाए थे. धक्के इन द सेंस के प्रॉफिट नहीं बन रहा, लॉस हो रहा है, अकाउंट जो है वो लॉस में चला गया, ट्रेड में लॉस आ गया, बहुत ही मायूसी हाथ लग रही है. तो धीरे धीरे गिरते हुए संभलते हुए धीरे धीरे हमने अपना करियर जो है वो कंटिन्यू रखा और एक टाइम के बाद जाके मैंने प्रॉप ट्रेडिंग डेस्क पे जॉब हासिल की आफ्टर गेटिंग द प्लेसमेंट. तो जो मेरी प्रॉप ट्रेडिंग डेस्क थी वो एक ऐसी प्रॉप ट्रेडिंग डेस्क थी जहाँ पे मैं इंडियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट में दोनों मार्केट्स में कोलैबोरेटिवली ट्रेडिंग करता था. और इवन दुबई DGCX में मैंने काम किया है. DGCX इज अ दुबई एक्सचेंज जहाँ पे USD INR की करेंसी की या फॉरेक्स की आप कह सकते हो बहुत बड़े लेवल पर ट्रेडिंग होती है. इस लेवल का एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ तो मैं आपको बताऊंगा कि जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हैं उनकी सक्सेस रेशियो क्या है, किस तरीके से वो मार्केट को लेके चलते हैं, कैसे उनका जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे या मंथ ऑन मंथ बेसिस पे प्रॉफिट अकाउंट प्रॉफिट में रहता है, और दूसरी चीज क्यों रिटेल ट्रेडर्स दूसरी तरफ जितना मर्जी जोर लगा लें एट द एंड वो नुकसान ही उठाते हैं. तो अगर आप रेडी हो तो मुझे एक बार जस्ट यस कर दो, यस वी आर रेडी, हम क्लास जो है आप स्टार्ट कीजिए आगे. तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आपका भी टाइम वेस्ट हो, क्योंकि टाइम बहुत कीमती चीज़ है. थैंक यू एवरीवन, मुझे बहुत सारे यस मिल रहे हैं, तो ठीक है, थैंक यू गाइस, लेट्स रेडी फॉर द सेशन. सो जस्ट वन मिनट, लेट्स बिगिन विद द सेशन, जस्ट वन मिनट. दोस्तों, एक मैं आपके साथ एक चीज शेयर करने जा रहा हूँ, जो अभी डिस्कशन मेरे साथ ये रहेगी, क्या जो आप अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं, मुझे दिग्विजय ने बताया कि 40% जो आपके जो अभी स्टूडेंट्स हैं वो अभी बिगनर हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, और जो रिमेनिंग 60% हैं उन्होंने थोड़ा बहुत मार्केट में ट्रेडिंग काम किया, 6 महीने साल जितना भी काम किया होगा, क्या ये फिगर सही है? इज इट राइट? आप में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी मार्केट में टाइम दिया है 6 महीने साल जितना भी दिया है? ओके फाइन, ओंकार अनंत दास गुप्ता, यस एब्सोल्युटली. सो थैंक यू.
तो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिन्होंने मार्केट में बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं की वो भी मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से हम मार्केट को लेके चलेंगे। तो दोस्तों इज इट, मैं आपसे जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं उन्हीं से डिस्कस करूंगा अभी, बाकी जो बिगिनर्स हैं वो मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। ऐसा होता है कि जैसे लेट सपोज इनिशियली जब भी आप मार्केट में फर्स्ट टाइम मार्केट में जब आप आए थे, ओके विवेक मुद्गल जी कह रहे हैं उनको जीरो एक्सपीरियंस है, डोंट वरी आप ध्यान से सुनिए बस। अभी जो मैं क्वेश्चन उन लोगों से कर रहा हूँ जिन्होंने थोड़ा टाइम मार्केट में गुजारा, जैसे कि 6 महीने 7, दोस्तों मुझे एक चीज बताओ कि जब आप मार्केट में स्टार्टिंग में आए थे, जब आपने मार्केट में शुरुआत की थी उस टाइम पे स्टार्टिंग में आपको थोड़ा प्रॉफिट, स्टार्टिंग में ट्रेड्स में प्रॉफिट जरूर आया होगा, बट स्टार्टिंग में प्रॉफिट आने के बाद जब आपको लगा कि यस वी कैन मेक मनी, देन आफ्टर जो पिक्चर पूरी जो उल्टी हो गई, मतलब फिर लॉस आना शुरू हुआ स्टार्टिंग में। एक मेरी बात यस और नो में सर दीजिए, क्या मार्केट स्टार्टिंग में हर ट्रेडर को पैसा देती है? यस, फर्स्ट ट्रेड वॉज फंटेस्टिक, यस क्रेजी जी बोल रहे हैं, यस एब्सोल्युटली राइट, यस बट रेस्ट वॉज क्रेजी, ओके डोंट वरी, उसका मैं कारण बताऊंगा क्या है, ओके फाइन दैट्स ऑल, बस और मैं टाइप कीजिए। देखो उसके अब अगला क्वेश्चन मैं पुट करूंगा, उसका आंसर देना बस आपने। अब हो क्या रहा है, अब हो क्या रहा है, जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनसे बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं 14 साल का एक्सपीरियंस मुझे है तो मैं उस लेवल पे ही बात करता हूँ, क्योंकि मुझे मैं समझता हूँ कि हर बंदे को एक्सपीरियंस होगा, बट मुझे जैसे दिग्विजय ने बताया कि बहुत ही बेसिक टर्म में बात करनी है तो मैं कोशिश करूंगा उस लेवल पे आने की। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे हम अपना ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, अब ट्रेडिंग कर, अब जो सिचुएशन ऐसी है कि जब हम ट्रेड लेते हैं जैसे थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा हम बुक करने की कोशिश करते हैं, बट जैसे ट्रेड लॉस में गया हम वेट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि यार एक बार थोड़ा ऊपर आ जाए, मेरी जान बच जाए, मैं इसमें से निकल जाऊं। क्या ऐसा होता है? प्लीज यस और नो में सर दीजिए। यस एग्जैक्टली, गणेश जी बोल रहे हैं, यस राजू मेहरजी, एलिना खान, यस एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू वेरी मच। अब होता क्या कि जैसे आपने ट्रेड लिया, आप जैसे प्रॉफिट में आए, आपने उसमें से प्रॉफिट बुक करने की कोशिश की, बट इन द केस ऑफ लॉस वी वेट, हम वेट करते हैं कि थोड़ा और शायद ऊपर आ जाए, मुझे एक उम्मीद रखते हैं, ठीक है। अब ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं आज का सेशन शुरू करूंगा। देखो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, बहुत कोशिश करते हो प्रॉफिट जनरेट करने की, होता है क्या, लेट सपोज आपने 2 या 3 ट्रेड्स में प्रॉफिट जनरेट किया, स्मॉल प्रॉफिट जैसे कि 1,000, 2,000, 3,000 रुपीज, बट एक ही ट्रेड में 2-3-4 हजार रुपया हमने बनाया 2-3 ट्रेड्स में इकट्ठा, और एक ही गलत ट्रेड में मेरा सारा कमाया हुआ प्रॉफिट हाथ से निकल चला जाता है, इवन मैं उल्टा लॉस में आ जाता हूँ, क्या ऐसा होता है आपके साथ? प्लीज मुझे ऐसा कमेंट कर दीजिए। प्रॉफिट तो कमा रहे हैं 2 या 3 ट्रेड्स में, 2-3 ट्रेड ठीक चले गए, अब उम्मीद है शायद ठीक जाएगा, बट एक ही गलत ट्रेड पिछले कमाए हुए सारे पैसे को भी उड़ा देता है और हम उल्टा और लॉस में आ जाते हैं। यस एब्सोल्युटली, मुझे ओंकार सर का, विष्णु वर्धन जी का आंसर जो है रिस्पॉन्स मिला, एब्सोल्युटली राइट। सो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसका रीजन क्या है। दोस्तों अभी हम एक लेके चलते हैं एक बिगनर को, क्योंकि मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो किस तरीके से मैं ट्रेडिंग करता हूँ। हम लाइव ट्रेडिंग करते हैं, अपने जो सिस्टम लाइव मार्केट में हम ट्रेडिंग करते हैं, और अपने जो मेरे लाइक क्लाइंट्स भी हैं या मेरे जो पार्टनर्स हैं, हम एक डिस्कशन मोड पे काम करते हैं, और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हम प्रॉफिट खींचते हैं मार्केट से। इसका मतलब ये नहीं कि हम 100% एक्यूरेट है, नो, मैंने ये नहीं कहा कि मैं आई एम 100% एक्यूरेट, मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी 70% हो सकती है, बट अब इसका मतलब ये भी है कि मैं 30% मेरे ट्रेड्स भी गलत जाते हैं, बट एक्चुअल द थिंग इज कि मैं सभी ट्रेड डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट करता हूँ, एट द एंड ऑफ द मंथ वी विल विन द प्रॉफिट। तो सेम चीज हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह एक ट्रेडर के माइंड सेट के साथ मार्केट में उतरना है, सो दैट आप इस चीज की परवाह ना करते हो कि अगला ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा लॉस में जाएगा, एट द एंड हम प्रॉफिट में ही रहें, मंथ एंड में जब हमारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो बने तो उसमें हमारा जो शीट है वो प्रॉफिट वाली ही होनी चाहिए। सो दोस्तों अब ऐसे एक चीज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो क्या है ध्यान से देखना। मैं एक टिपिकल ट्रेडर, एक नया ट्रेडर, जो टिपिकल ट्रेडर जिसको बोलते हैं न्यू ट्रेडर, ठीक है, उसकी बात करूंगा, या जो लोग अभी मार्केट में आए हैं वो मेरी बात ध्यान से समझिए, आपके साथ ऐसा होगा। अगर आप मेरी बात आज समझ गए तो शायद आपका अकाउंट उड़ने से या अकाउंट जीरो होने से बच जाए, अगर आप मेरी बात समझ के आप लाखों रुपये अपना बचा सकते हो इस बात से। सो जो वो कंसेप्ट है क्या, प्लीज ध्यान से देखना। सपोज अ पर्सन, एक नया पर्सन मार्केट में आता है, उसकी क्या थिंकिंग होती है? स्टार्टिंग में नए पर्सन की थिंकिंग ये रहती है कि हम मार्केट में लेट्स सपोज कहीं से 50,000-1,00,000 रुपए का फंड सोर्स किया, चलो मार्केट में आ गए, है ना, कोशिश करेंगे कि लेट्स सपोज कुछ प्रॉफिट रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट जनरेट किया जाए। सो
उसमें क्या रहता है कि अब ट्रेडर कहीं से थोड़ा यूट्यूब देख लिया, थोड़ा सोशल मीडिया देख लिया, कोई जी बिजनेस देख लिया, कोई सीएनबीसी देख लिया, तो कहीं दोस्तों से पूछ लिया कि कौन सा शेयर चलने वाला है, तो वो अपना किस्मत आजमाता है मार्केट में। अब मैं आपसे क्वेश्चन पुट करूंगा, कभी क्या किसी किसी को जी बिजनेस या सीएनबीसी देख के प्रॉफिट हुआ है आपको कभी लाइफ में? कभी आपने कंटिन्यूसली देखा होगा जी बिजनेस पे अनिल सिंह भी या बहुत सारे एंकर्स आते हैं, ये शेयर ले लो, वो शेयर ले लो, क्या कभी जी बिजनेस देख के कंटिन्यूसली प्रॉफिट हुआ है? मैं कंटिन्यूस की बात करूंगा, लगातार हो सकता है एक दो बार हो गया हो, बट क्या जी बिजनेस देखना प्रॉफिटेबल सौदा है? नो, नेवर। ओके, एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज जी बिजनेस जो है उसकी क्या कमजोरी है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे, एक नया ट्रेडर है वो मार्केट में आया, मार्केट में आने के बाद उसने क्या करना है, वो लेट सपोज वो एक सबसे पहले जो फेमिलियर गुड शेयर्स है उनकी तरफ जाएगा, गुड शेयर, गुड कंपनीज। लेट सपोज उसने गुड कंपनीज, हॉट कंपनी जिसकी मार्केट में काफी डिमांड है, टीवी पे उसकी रिकमेंडेशन आ रही है, और वो उस कंपनी की तरफ देखता कि यार दिस कंपनी इज वेरी गुड। लाइक मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा आईटीसी, ठीक है ना। आईटीसी बंद देखता है यार आईटीसी अभी आजकल हॉट है, बड़ा हॉट स्टॉक है, न्यूज में भी आ रहा है, हर कोई बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहा है, तो लेट्स स्टार्ट ट्रेडिंग इन द आईटीसी शेयर। मैं जस्ट एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, आईटीसी हो सकता है, एसबीआई हो सकता है, एनी अदर शेयर कोई भी हो सकता है। अब बंदे ने क्या किया कि मार्केट में आया, देखा कि थोड़े दिन मार्केट में आईटीसी की चाल देखी कि ये थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे जाता है, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से। अब उसको कोई डर नहीं है कभी भी, अब उस ट्रेडर को कोई मन में डर नहीं है क्योंकि उसने कभी मार्केट में ट्रेडिंग नहीं की। अब बंदा क्या करता है, लेट सपोज मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, एक मार्केट में 1,00,000 रुपए लेके आया, ठीक है, 1,00,000 रुपए से अकाउंट ओपन किया, कैपिटल 1,00,000 रुपए अकाउंट में। अब होता है क्या, इस बंदा ये सोच, ट्रेडर सोचेगा कि लेट्स ट्रेड ऑन द शॉर्ट टर्म बेसिस, रेगुलर पैसा बनाते हैं, 2-3 दिन के अंदर मुनाफा बुक करते हैं या इंट्राडे करते हैं, कुछ भी करते हैं। सो आपको पता है कि मार्जिन, मार्जिन की फैसिलिटी मार्केट में मिलती है, मार्जिन में आप स्टॉक लो, ठीक है, थोड़ा ऊपर आए तो निकाल लो। तो इसने एक आईटीसी के शेयर की मूवमेंट देखता है ये कि लेट सपोज ये नीचे इसका भाव है 300 रुपए और ऊपर की तरफ है लेट सपोज 303 रुपए, 300 रुपए से 303 के बीच में आईटीसी का शेयर घूम रहा है। तो बंदा कहता है कि लेट सपोज इसमें इट्स अ वेरी गुड कंपनी, आईटीसी बंद तो होने वाली है नहीं है, और इस कंपनी के अंदर हम ट्रेडिंग शुरू करते हैं, और वो अपना 1,00,000 रुपये ट्रेडिंग अकाउंट में डालता है और ट्रेडिंग शुरू कर देता है। मैं आपको एक चीज बताऊँ, ट्रेडिंग जो बिजनेस है वो देखने में बहुत ईजी लगता है, हमें लगता है कि हम वी कैन डू वट वी वॉन्ट हेयर, बट द प्रॉब्लम इज कि ट्रेडिंग इज अ वेरी ट्रिकी बिजनेस। आप कोई भी और बिजनेस शुरू करते हो उसमें आपको, आप उसमें स्किल्स इंप्रूव करते हो, उसमें आप नॉलेज लेते हो, बट इन द ट्रेडिंग सेगमेंट में क्या है कि हम मार्केट में आए, हमें किसी स्किल की जरूरत तो है नहीं है, हमारे पास हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ लिंक्ड है, एक ओटीपी आया और हमारा अकाउंट ओपन हो गया और हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट शुरू कर लेते हैं। तो इससे होता है कि एंट्री बैरियर बहुत, कोई भी एंट्री बैरियर नहीं है, एनी बडी जिसने कभी ट्रेडिंग का, जिसको टीवी नहीं पता होगा वो भी मार्केट में आके ट्रेडर बन जाएगा और अपने आप को व्यापारी कहलाने लग जाएगा। अब इसी तरह नया ट्रेडर मार्केट में आया, कहीं से इसने 1,00,000 रुपए का जुगाड़ किया और आके ट्रेडिंग शुरू कर दी, थोड़े दिन देखा आईटीसी का शेयर 300-303 रुपए के बीच में घूम रहा है, इसने सोचा यार आईटीसी बंद थोड़ी होने वाली है, इज इट राइट, आईटीसी तो आईटीसी बहुत बड़ी कंपनी है, इतने प्रोडक्ट है, तो इसमें ट्रेडिंग करते हैं चलो। अब देखो होता है क्या, लेट सपोज फर्स्ट टाइम इसने कुछ दिन मार्केट मूव देखा और इसने 300 रुपए के आसपास स्टॉक बाय किया। अब मेरी जो क्वेश्चन आंसर आपके साथ देते रहना, ट्रेडर ने क्या किया, मार्केट में आया और 300 रुपए के भाव पे इसने स्टॉक को बाय किया, ठीक है, बाय किया 1,000 शेयर। 1,000 शेयर बाय करने के बाद अभी होता है क्या, सर प्लीज यूज ब्लैक स्क्रीन ट्रेडिंग दिखाने में कौन लगता है, ओके कोई बात नहीं, सो इट्स अ व्हाइट पेपर ब्रदर, पीछे जो मैं व्हाइट स्क्रीन यूज कर रहा हूँ, आई थिंक मुझे नहीं पता ये ब्लैक कैसी होती है, आप मैनेज कर लीजिए, क्योंकि इट्स अ व्हाइट बोर्ड बेसिकली। सो अभी मुझे एक चीज क्वेश्चन पुट करना है आपसे कि इस बंदे ने 300 रुपए पे शेयर खरीदा, ठीक है, 300 रुपए पे शेयर खरीदा, 1,000 शेयर लिए, और जैसे ही शेयर 2 रुपए ऊपर गया, 2 रुपीज ऊपर जाता है, तो इसको कितने का प्रॉफिट आ रहा है, 1,000 शेयर लिए, 1,000 शेयर मैं यहाँ लिख देता हूँ, और 2 रुपए ऊपर गया स्टॉक, तो कितने का मुनाफा दिया स्टॉक ने, लेट सपोज 2,000 रुपए का, ओके फाइन जस्ट वन, ओके। तो जैसे ही 2,000 रुपए का मुनाफा दिखा इस ट्रेडर को, इस ट्रेडर को 2,000 रुपीज का जैसे ही मुनाफा दिखता है, तो ये नया ट्रेडर है, इसने कभी मार्केट में पैसा नहीं बनाया, तो इसकी क्या थिंकिंग होगी, जैसे 2,000 का प्रॉफिट दिखा, व्हाट ही विल डू, क्या ये क्या करेगा, ये 2,000 पे ट्रेड लिया, पहला ट्रेड लिया 2,000 पे आ रहे हैं, कुछ भी नहीं किया, व्हाट ही विल डू, 1,00,000 लगाया, 2 दिन में 2,000 पे आ रहा है, व्हाट ही विल डू, एग्जिट करेगा, निकलेगा, बुक करेगा प्रॉफिट, एब्सोल्युटली राइट।
तो इस बंदे ने क्या करना, जैसे ही 200-300 रुपए में माल उठाया, जैसे ही 302 रुपए का या 302 रुपए के आसपास आया रेट, तो बंदा 2000 का अंदर करेगा। जैसे ही 2000 का प्रॉफिट बुक किया, जैसे ही 2000 का प्रॉफिट बुक किया, तो ऊपर वाले का शुक्र मनेगा, या परमात्मा ये गॉड आपने मुझे इतना अच्छा काम दे दिया है और मैं अब तो यहाँ प्रॉफिट रोज बनाया करूंगा और मुझे एक पार्ट टाइम काम मिल गया है, मैं जो मेरी जॉब की प्रॉब्लम चल रही है, मुझे प्रॉफिट नहीं बन रहा, तो यहाँ से मैं प्रॉफिट खींच लूँ, मार्केट में पैसा बनाना शुरू करूंगा। अब देखो होगा क्या, अब मुझे फिर आंसर देना। इस बंदे ने 300 रुपये में शेयर लिया और 302 रुपीज़ पे सेल कर दिया, 2000 का प्रॉफिट लिया। अब देखो आफ्टर सम टाइम या कुछ दिन के बाद वो शेयर दोबारा 300 रुपये पे आ गया। जैसे ही वो 300 रुपीज़ पे आया शेयर, जैसे ही वो 300 रुपीज़ पे आया, इसने पहले वहाँ पे प्रॉफिट बुक किया हुआ है, इसने पहले वहाँ पे मुनाफा लिया हुआ है। अब ये बंदा क्या करेगा वहाँ पे, मुझे चैट बॉक्स में टाइप करो। अभी जैसे 300 रुपये में दोबारा आया, आपने 2000 रुपया कमा रखा है ऑलरेडी इस शेयर में, 300 रुपये में फिर आ गया, अब व्हाट ही विल डू हियर, फिर बाय करेगा? एब्सोल्युटली प्लीज, या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ये दोबारा बाय करेगा, क्योंकि इसके अब यहाँ पे इसने एक बार ऑलरेडी प्रॉफिट ले चुका है, अब ये दोबारा यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेगा। सो गाइस, क्योंकि ये साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी ये कहती है कि जहां एक बार आपको प्रॉफिट दिख गया, आप दोबारा वही प्राइस मिलता है, यू विल ट्राई टू बुक द प्रॉफिट अगेन। सो 300 पे लिया, हो सकता है अब दोबारा यहां से जंप मिला स्टॉक को, प्राइस दोबारा 302 रुपये पे फिर गया, एक बार स्टॉक ने दोबारा फिर ऊपर की तरफ उछाल लगाया, फिर दोबारा 2 रुपये का प्रॉफिट, 2 रुपये ऊपर चला गया। सो अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अपने ट्रेडिंग अकाउंट में 2000 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। देन व्हाट ही विल डू, जैसे 2000 का प्रॉफिट फिर आया, व्हाट ही विल डू, अब 2000 पे दोबारा 2000 का 300 रुपये बाय करने के बाद 302 का जैसे ही रेट मिला, दोबारा व्हाट ही विल डू, ही विल बुक द प्रॉफिट्स, एब्सोल्युटली राइट, ये दोबारा प्रॉफिट बुकिंग करेगा। सो दोस्तों, ये है इनिशियल स्टेज, जहां पे एक नया ट्रेडर मार्केट में आता है और उसको कोई नॉलेज नहीं है, बट ही विल, व्हाट ही इज डूइंग, वो ये सोच रहा है कि ये शेयर एक रेंज में चल रहा है, इसको खरीदो, जैसे 2 रुपये का प्रॉफिट आए लो, दोबारा वेट करो, बाय करो, जैसे थोड़ा डाउन आए होल्ड करो, बिकॉज आईटीसी इज अ वेरी गुड कंपनी, कहीं नहीं बंद होने वाली, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट बुक करो, बाय करो नीचे आया होल्ड करो, ऊपर जाए प्रॉफिट बुक करो, बाय करो नीचे आया तो होल्ड करो, क्योंकि आईटीसी वेरी गुड कंपनी, ऊपर जाए तो प्रॉफिट बुक करो। हो क्या ऐसा हो सकता है एक दो बार इसको और प्रॉफिट मिल जाए, माइट भी एक बार इसको और प्रॉफिट मिल गया 2000 रुपये का, तो ये सोचेगा यार ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है, इसमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, अच्छा शेयर सिलेक्ट करो, बाय करो, जैसे नीचे आया वेट करो, ऊपर आए तो प्रॉफिट बुक करो। सो इसकी ये थिंकिंग बन जाती है। अब देखो होता है क्या कि हमारी जो थिंकिंग है, बेसिकली हमारी जो हैबिट्स हैं, वो हमें एक टाइम के बाद रन करना शुरू कर देती है। इनिशियली हम अपनी हैबिट्स क्रिएट करते हैं, बट आफ्टर सम टाइम हमारी हैबिट्स जो हैं वो हमें रन करना शुरू कर देती हैं। अब होगा क्या, देखिए जैसे ही प्राइस, अब इस बार क्या हुआ, प्राइस थोड़ा ऊपर गया, बट दोबारा उसी प्राइस पे आ जाता है जहां से पहले इसने प्रॉफिट बुकिंग किया 300 रुपीज़ के रेट पे। बट इस बार क्या हुआ, जैसे इसने 300 रुपीज़ पे ये स्टॉक बाय किया, इस बार स्टॉक ऊपर नहीं गया, अब इस बार स्टॉक जो है थोड़ा सा नीचे आ गया, इतना नीचे आ गया, लेट्स सपोज 300 पे बाय करने के बाद प्राइस जो है वो आ गया है तकरीबन 296 रुपीज़ पे। अब जैसे 296 पे अभी प्राइस चल रहा है, बाय प्राइस है 300, 1000 शेयर है, अपने ट्रेडिंग अकाउंट में 4000 रुपये का लॉस दिखाई दे रहा है ना, मुझे बताइए अभी ट्रेडर क्या सोचेगा, व्हाट ही विल डू, निकलेगा होल्ड करेगा या क्या करेगा? डेफिनेटली वेट करेगा, एब्सोल्यूट राइट, पूरा गैम्बलिंग कर रहा है, यस एब्सोल्यूट राइट, ही विल होल्ड द शेयर। अब देखो होगा क्या, जैसे ही प्राइस 296 आया, एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, क्या ऐसा होता है कि जब भी आप अपने पेरेंट्स से किसी भी कम्युनिटी में बात करते हो कि मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहता हूँ या मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ, क्या वो लोग ऐसा कहते हैं कि स्टॉक ट्रेडिंग इज अ वेरी वेरी इट्स अ गैम्बलिंग बेसिकली, क्या ऐसा सुनने को मिलता है कि जो स्टॉक मार्केट है तो ये तो जुआ है, गैम्बलिंग है? यस एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली, रोहित खारे जी बोल रहे हैं, आप मेरी स्टोरी बोल रहे हैं, कोई बात नहीं रोहित सर, आके देखो मैं सोल्यूशन भी दूंगा आपको। दोस्तों देखो, अगर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप स्टॉक मार्केट को सीख के नहीं कर रहे हो, अगर आप प्रॉपर मेंटरशिप, अगर आप आपकी गाइडेंस, आपके पास पूरी नॉलेज नहीं है, तो होगा क्या, ट्रेडिंग जो है वो स्टॉक मार्केट से भी रिस्की है, सॉरी जो ट्रेडिंग है वो गैम्बलिंग से भी रिस्की है। गैम्बलिंग में होता है क्या कि आप एक बेट लगाते हो $10 का, $10 का बेट लगाया, अगर आप जीत के 10 का 20 मिलेगा, नहीं तो $10 उठ गया, उसमें आपको पता है ना $10 जाने के हैं। पर ट्रेडिंग के अंदर ऐसा नहीं है, ट्रेडिंग के अंदर क्या होगा, इसमें आप हमें होप लगी रहती है कि कभी ना कभी तो रेट ऊपर आएगा। अब इस ट्रेडर के साथ क्या हो रहा है, 4000 रुपये का लॉस हो रहा है, 296 का प्राइस है, मार्केट थोड़ा ऊपर आया, तो अब ये बोलेगा एक बार भगवान ये ऊपर आ जाए, मेरा रेट आ जाए, मैं इसमें से निकल जाऊँ, मेरी जान बच जाए, ठीक है ना।
हो सकता है एक बार उसकी जान बच भी जाएगी, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा। अब फिर क्या, प्राइस और नीचे आ गया। अब प्राइस जैसे और नीचे आया, अब आ गया 292 रुपीज का रेट, अब हो गया 8,000 रुपये का लॉस। अब हुआ नहीं है, अभी चल रहा है ट्रेडिंग में 8,000 रुपये का लॉस। अब इसकी थिंकिंग क्या होगी, ये ट्रेडर बोलेगा यार मैं कोई पागल हूँ, मैंने इतनी मेहनत करके 6,000 रुपया कमाया और मैं एक ही ट्रेड में 8,000 का लॉस ले लूँ? नो, आई विल वेट, मैं फाइट करूंगा, देखते हैं कहाँ जाएगा, कभी ना कभी तो ये ऊपर आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो ये ट्रेडर क्या करेगा, वेट करेगा। अब उसके बाद और थोड़ा ऊपर आया, थोड़ी फिर होप जगी, यस तो अभी ऊपर आ जाएगा, बट आफ्टर समय उसने फिर नीचे गया। अब और नीचे जाने के बाद जैसे ही 285 का रेट आया, अब पैनिक होना शुरू हो गया, क्योंकि 1,000 शेयर ले रहे थे, 285 का रेट आ चुका है, अब 15,000 रुपया लॉस दिखाई दे रहा है। देखो दोस्तों होता क्या, जैसे ही लॉस आया, अब सब कुछ दिखना बंद हो गया है। मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ, जो थोड़ा बहुत चार्ट देखना जानते हैं लोग, जब आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, ठीक है ना, तो सारे चार्ट बड़े स्मूथ दिखते हैं, पूरा डबल टॉप दिखेगा, डबल बॉटम दिखेगा, सब कुछ दिखेगा, ट्रायंगल दिखेगा, हेड एंड शोल्डर दिखेगा। बट जब आप ट्रेडिंग कर लेते हो, आपका ट्रेड लगा होता है, तो क्या सारे पैटर्न्स दिखने बंद हो जाते हैं? यस और नो? जैसे ही ट्रेड डाला, सारे पैटर्न्स, सब कुछ अंधेरा आंखों के सामने, सब कुछ दिखना बंद? यस, एब्सोल्युटली राइट। ये क्यों होता है, इसका कारण साइकोलॉजी, वो सारा हम दिखना आगे भी सीखेंगे। जैसे ट्रेड डाला, सब कुछ दिखना बंद, जैसे ट्रेड काटा, सब कुछ पिछला दिखना शुरू। आजकल क्या चल रहा है, ट्विटर इस पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे लोग क्या करते हैं, पुराने चार्ट दिखाते हैं, यहाँ खरीदा यहाँ बेचा, यहाँ खरीदा वहां बेचा। अरे भाई वो हिस्ट्री है, लाइव मार्केट में जब आप ट्रेड करोगे, आपको कोई पैटर्न नहीं दिखेगा, कोई डबल बॉटम डबल टॉप नहीं दिखेगा, कोई हेड एंड शोल्डर नहीं दिखेगा, कोई ट्रायंगल नहीं दिखने वाला, सब आंखों के सामने अंधेरा छा जाना है। बिकॉज ये है साइकोलॉजी की गेम, इसका सॉल्यूशन मैं आपको आगे दूंगा, इसको कैसे कंट्रोल करना है इस चीज को, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। यस यस, अब देखो हुआ है 285 पर प्राइस, इसमें 15,000 रुपये का नुकसान दिखाई दे रहा है, ये अपना रेजिलिएंट, अब टेंशन में आ गया बंदा, करूं तो क्या करूं। अब जैसे प्राइस फॉल कर रहा है ना, तो बड़ी बड़ी बैड न्यूज आनी शुरू हो गई है कि यूक्रेन रशिया का वॉर हो गया, GDP डाउन चली गई, ये हो गया वो हो गया, कंपनी के बैड रिजल्ट आ गए। अब पैनिक होने लग गया, पेन हो रही है, क्या करूं। अपना जैसे स्टॉक एक एक टिक बना रहा है ना, वो पेन क्रिएट कर रही है। एक दिन क्या, स्टॉक ने एकदम जंप मारा नीचे की तरफ, बहुत ही बैड न्यूज लगी, स्टॉक का प्राइस आ गया 275 रुपीज। अब नहीं सही जा रहा, अब नहीं पेन सही जा रही, 25,000 का लॉस दिखा दे रहा है। अरे बाबू इसको काट यार, इसको खत्म कर। अब जैसे ही बंदे ने 25,000 का लॉस, 275 रुपये का नुकसान बुक किया, बिकॉज पेन सही नहीं आ रही है, इतना डाउन आ गया, तो इस पर्सन का यहाँ पे कितने का लॉस बुक होता है, 25,000 रुपये का एक ही शॉट में। और ये बंदा कमा कितना रहा था, धीरे धीरे करके 2,000 रुपये, और एक ही ट्रेड में इसने कितना गवा दिया, 25,000 रुपये। तो अगर मैं पूरा हिसाब लगाऊं, तो 4 ट्रेड के बाद ये बंदा 19,000 के लॉस में बैठा है। इज इट राइट, यस और नो प्लीज, क्या ऐसा आपके साथ होता है, प्लीज मुझे रिकमेंड कर, यस और चैट पर मैसेज करके बताओ। एब्सोल्युटली होता होगा, कोई बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, ऐसा ही होता है। अब ऐसा भी होता होगा बहुत लोगों के साथ, जैसे ही लॉस बुक किया, मैं एक कम्प्लीमेंट्री एक और चीज ऐड कर रहा हूँ, जैसे ही लॉस बुक किया, वहीं से कमबख्त पलटा खा गया, और हमें लगता है यार मुझे फंसाने के लिए बैठा था, जहां लॉस बुक किया वहीं से पलट गया। हाँ होता है, 14 साल से मैं यही तो देख रहा हूँ, यही इसी चीज के तो ऊपर हमने काबू पाया है, इसी चीज को तो हम कंट्रोल करना सीख चुके हैं कि कैसे अपने आप को कंट्रोल करना। देखो दोस्तों स्टॉक मार्केट भी बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आप सही तरीके से काम करो, इस पर कंट्रोल है, ये गेम कंट्रोल की है। जिसने कंट्रोल करना सीख लिया वो कमाएगा, जो उत्सुकता से ट्रेडिंग करेगा, जो हाइपर ओवर ट्रेडिंग करेगा, जिसको नॉलेज नहीं होगी वो फंसेगा। एनीवे चलो जैसे 275 पे है, अब मेरी एक चीज बताइए, इस पर्सन ने टोटल कितने ट्रेड किए, इस पर्सन ने टोटल 4 ट्रेड्स किए, ठीक है ना, 4 ट्रेड्स किए, और 4 ट्रेड्स में से 3 इसके 3 ट्रेड्स हैं वो राइट हैं, राइट मीन्स ठीक गए हैं, और 1 ट्रेड जो है वो लॉस मेकिंग है। तो इसकी जो ओवरऑल विनिंग एक्यूरेसी आई है, 4 में से 3 ट्रेड ठीक कर रहा है, कायदे अनुसार ये 75% एक्यूरेसी लेके बैठा है, 75% एक्यूरेसी लेके बैठा है, 25% इसके गलत ट्रेड गए हैं, 4 में से 3 ठीक है गलत, पर 75% एक्यूरेट, बट नेट में विनर है या लूजर है, बात यहाँ खत्म होती है, नेट में ये लूजर है, क्योंकि इसने 19,000 में वेस्ट कर दिया, 4 में से 3 ट्रेड ठीक किए बट नेट में लूजर है। हर बंदे को टेलीग्राम पे ट्विटर पे कहीं कहीं इंदौर से कॉलें आती हैं कि हमारे सब्सक्राइबर ले लो, 10,000 का पैकेज ले लो, 20,000 का पैकेज ले लो, हम आपको 99% एक्यूरेट कॉल देंगे, हम आपको 90% का श्योर शॉट कॉल देंगे, होता कुछ नहीं, सब फेक है। क्यों फेक है, मुनाफा कमाना 2 रुपए का,
और लॉस बुक कराना 20 रुपए का, समझे नहीं, तो 90% एक्यूरेसी क्या करेगी, तो ये प्रॉब्लम है। अब यहां देखो इस ट्रेडर के 4 में से 3 ट्रेड ठीक है गलत, नेट रेट में लूजर है, ऐसा होता है प्लीज, बिल्कुल होता है। अब देखो क्यों क्यों होता है, क्योंकि इसका मैं आपको रीजन बताता हूं, ध्यान से समझना इसका रीजन क्या है। ये है ट्रेडर, नया ट्रेडर, इसको नॉलेज नहीं है, इसको ये नहीं पता कि इसकी फाइट किसके साथ है। दोस्तों फाइट होती है मार्केट में आपके साथ, आप क्या किसके साथ लड़ाई कर रहे हो, फाइट, FIGHT, फाइट। जब आप बाय करते हो आप इतना समझते हो कि जब आप कोई शेयर खरीद रहे हो उस शेयर को कोई ना कोई पार्टी बेच रही होती है, और जब आप कोई ना कोई शेयर बेच रहे होते हो उसी टाइम उस कोई ना कोई पार्टी उस शेयर को खरीद रही होती है, क्योंकि हर बायर के अगेंस्ट एक सेलर होगा, हर सेलर के अगेंस्ट एक बायर होगा। जब आप बाय करोगे तो आप कोई ना कोई बेच के जाएगा, जब आप बेचोगे तो आपसे कोई ना कोई लेके जाएगा, इट्स अ जीरो सम गेम। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं बाय कर रहा हूँ कोई बेच नहीं रहा, नहीं, जब मैं बाय कर रहा हूँ तो कोई ना कोई मार्केट में बेच रहा है, जब मैं बेच रहा हूँ तो कोई ना कोई खरीद रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने जब कई बार हम टीवी पे देखते हैं पूछा जाता है कि आज मार्केट बहुत गिरावट आई मार्केट में, तो क्या क्यों गिरावट आई, तो लोग आंसर देते हैं आज मार्केट में ना बहुत ज्यादा सेलिंग हुई। अच्छा, जब किसी दिन मार्केट बहुत ऊपर चला गया तो पूछा जाता है क्यों मार्केट ऊपर गया, तो आंसर मिलता है आज बहुत ज्यादा बाइंग हुई। दोस्तों कभी ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा बाइंग हुई हो तो सेलिंग कहां से हुई, बाई करने वाला क्या हवा में से बाई करके गया, या जब मार्केट बहुत ज्यादा गिरावट आई आज बहुत ज्यादा सेलिंग हुई तो सेलिंग कहां से हुई, तो किसी ने तो खरीदा होगा ना, अगर आपने फेंका तो किसी ने तो कैच किया होगा ना उसको। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने बाय किया हो किसी ने सेल ना किया हो, या आपने सेल किया हो कोई बायर ना हो, आप हवा में थोड़ी ट्रेड कर रहे हो, आप एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हो। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप खरीद रहे होते हो तो कोई ना कोई पार्टी बेच रही होती है, इज इट राइट और रॉन्ग? बिल्कुल ठीक, जब आप बेचोगे कोई ना कोई खरीद रहा होता है, बट वो पार्टी है कौन? दोस्तों वो पार्टी होती है इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, जिनको सिंपल लैंग्वेज में देसी भाषा में कहा जाता है ऑपरेटर, वो होते हैं ऑपरेटर जो मार्केट को चलाने वाली ताकतें हैं। रिटेल ट्रेडर एक तरफ, उनकी भीड़ है, उनके पास ना पैसा ना नॉलेज, दूसरी तरफ ऑपरेटर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल्स हैं, जिनके पास पैसा भी है, नॉलेज भी है, रिसर्च भी है। आप मुझे एक चीज बताओ, क्या मार्केट के अंदर रिटेलर पैसा बनाता है या ऑपरेटर पैसा बनाता है, प्लीज चैट बॉक्स में बताओ। क्या चलो ऐसा बताओ कि रिटेलर लूज करता है नहीं करता नेट रेट में, रिटेलर लूजर है या विनर है? एब्सोल्युटली गणेश सर बोल रहे हैं कि रिटेलर हमेशा पैसा देके ही जाएगा मार्केट में, यस एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युट है, ऑपरेटर पैसा बनाएगा रिटेलर देके जाएगा। हो सकता है कि 2-4 बार बना ले बट एट द एंड उसकी जेब में झट उसने ऑपरेटर ने उसे ले लेना पैसा। तो जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ चीजें वो ये है कि हाउ वी कैन कैप्चर द इंस्टीट्यूशनल पोजिशन, हम बड़े लोगों की पोजिशन कैसे चेक कर सकते हैं। देखो अभी इस बंदे की बात जो स्टोरी हम लेके चल रहे थे, इस ट्रेडर ने जैसे ही यहाँ लॉस बुक किया, जैसे इसने प्रॉफिट पोजिशन कट की, ये पीछे मुड़ के देखेगा, अरे ये कहेगा मैं यार पागल था, इतनी बड़ी मार्केट में फॉल आ चुकी है और मैं इस शेयर को बाय करके बैठा हूँ, मैं इसमें से यहाँ निकल जाता, यहाँ निकल जाता, यहाँ निकल जाता, यहाँ निकल जाता, मैं दोबारा खरीद लेता लो रेट पे, मुझे ये डाउन ट्रेंड दिखा क्यों नहीं, जब मैंने सौदा काट दिया तब मुझे डाउन ट्रेंड दिखने लग गया। तो इसका कारण है साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट, वो हम आके डिस्कस करेंगे, बट एक चीज तो क्लियर है, अब इसने 2-2 हजार रुपया कमाया, जब इसने 2-2 हजार रुपया कमाया तो मार्केट में किसी बंदे ने 2-2 हजार का लॉस खाया, मार्केट इज अ जीरो सम गेम, एक बंदा खाएगा लॉस दूसरा कमाएगा प्रॉफिट। जब आपके बैंक में डेबिट की एंट्री चढ़ेगी तो किसी ना किसी के बैंक में क्रेडिट की एंट्री चढ़ेगी, जब आप के बैंक में पैसा आएगा तो पैसा कहीं ना कहीं से आएगा, ट्रांसफर किया आप कहीं ना कहीं से वो पैसा आपके पास आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि हवा से पैसा बन रहा है, नो। तो जब इस ट्रेडर ने 2-2 हजार रुपये का प्रॉफिट बुक किया तो ये पैसा कहाँ से आया, ये वहां से आया जो ट्रेडर 2-2 हजार का लॉस ले रहा है, वो ट्रेडर 2 हजार का लॉस लेने के लिए बैठा है, बट जब इस ट्रेडर ने 25 हजार का लॉस लिया, ये थोड़ा मेरे से गलत हो गया, 2.5 लाख लिखा गया, 25 हजार है ठीक है ना, तो जब इसने 25 हजार का लॉस बुक किया तो उस ट्रेडर ने 25 हजार कमाया और इसने 25 हजार का लॉस लिया, तो इट मींस जो इसके काउंटर पार्टी ट्रेडर है वो 2 हजार का लॉस लेकर बड़ा प्रॉफिट हाथ मारने के चक्कर में है। तो यही एक्चुअल ट्रेडिंग है, हमें प्रॉफिट रखना है मोटा बड़ा और लॉस रखना है छोटा। इसका सारा सिस्टम हम समझेंगे इंस्टीट्यूशनल की पोजीशन को ट्रैक करके। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि अगर हमें पहले पता चल जाए कि इंस्टीट्यूशनल कर क्या रहे हैं, या वो किसी शेयर में बाय करके चल रहे हैं या इंस्टीट्यूशनल प्लेयर किसी शेयर में सेल करके चल रहे हैं, अगर इस चीज का हमें पता चल जाए तो क्या हमें ट्रेडिंग में हेल्प मिलेगी, प्लीज यस और नो करके बताइए मुझे। अगर हमें पता चल जाए कि इंस्टीट्यूशनल पोजीशन क्या गेम खेल रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट,
इस चीज की हमें जरूर हेल्प मिलेगी एब्सोल्यूट ट्रेड। तो अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हमें फोन करके बताएंगे या टीवी पे आके बताएंगे कि आज अब अभी हमने इस शेयर के ऊपर नजर रखी है, आप भी शेयर को खरीद लेना, ऐसा होता है कभी? क्या कभी वो बताएंगे आपको कि हमारी नजर अब नेस्ले पे है या हमारी नजर अभी HDFC बैंक पे है? नहीं, कभी नहीं बताएंगे वो। दे विल नेवर टेल यू व्हाट दे आर एक्चुअली बाइंग और सेलिंग। तो हाउ वी कैन डिटरमाइन कि वो क्या खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इसका सोल्यूशन कहाँ पे है, हाउ वी कैन डिटरमाइन? सो दोस्तों देखो, कोई भी आपको नहीं बताएगा कि इंस्टीट्यूशन क्या खरीद रहे हैं क्या बेच रहे हैं, बट हाउ वी कैन डिटरमाइन, एक चीज है वो है, कभी भी वो झूठ नहीं बोलती, वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम एक ऐसी चीज है जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट में हो क्या रहा है। वॉल्यूम जो नए बंदे हैं उनकी, उनको थोड़ा सा बता दूं व्हाट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम होती है ट्रांजेक्शंस, ट्रांजेक्शंस मीन्स जितनी ट्रेडिंग चल रही है, कितनी जो ट्रेडिंग है वो मार्केट में हो रही है, तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन को वॉल्यूम कहा जाता है। जैसे कि मैंने 100 शेयर खरीदे, ठीक है, मैंने 100 शेयर बाय किए, तो इट मीन्स किसी ना किसी बंदे ने 100 शेयर बेचे होंगे, तो उसने 100 शेयर बेचे, मैंने 100 शेयर बाय किए, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि 100 शेयरों का वॉल्यूम जनरेट हुआ। तो इसी तरह बड़ा प्लेयर जब भी खरीदता है या बेचता है तो वो सब कुछ छुपा सकता है, बट वो एक चीज नहीं छुपा पाएगा, वो है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम भी दो तरह का होता है, जिस वॉल्यूम की मैं बात करूंगा वो स्पेशल वॉल्यूम है, वो नॉर्मल वॉल्यूम नहीं। बट आपको समझना होगा कि हमें इसको एनालाइज कैसे करना है। सो लेट सपोज अब हम डिस्कस करते हैं कि हाउ वी कैन डिटरमाइन द इंस्टीट्यूशनल पोजीशंस। तो दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे पैरामीटर्स बताऊंगा, आप ध्यान से समझना, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, आपके पास भी लिमिटेड टाइम होगा। देखो कोई भी स्टॉक है उसके दो फेस होते हैं, दो फेस याद रखना और कुछ नहीं है मार्केट में, इट्स वेरी सिंपल गेम। दो फेस है, पहला है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब है कि एक बाय करना, जब इंस्टीट्यूशन किसी स्टॉक को एक्यूमुलेट करते हैं उसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज। एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जब बड़े प्लेयर किसी स्टॉक में से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, धीरे धीरे करके बेच रहे होते हैं। कभी भी इंस्टीट्यूशनल प्लेयर एक ही लेवल पे खरीदारी या बिकवाली नहीं करते, कभी भी एक ही लेवल पे इंस्टीट्यूशनल खरीदारी बिकवाली नहीं करते। धीरे धीरे माल इकट्ठा किया जाएगा और धीरे धीरे माल बेचा जाएगा। क्यों? मान लो एक इंस्टीट्यूशनल प्लेयर है जो म्यूचुअल फंड की कंपनी चलाता है, म्यूचुअल फंड इज इंस्टीट्यूशनल प्लेयर, जैसे कि आप मान लीजिए HDFC AMC, आपने HDFC AMC में पैसा लगाया, लोगों की सिप लगी हुई है और धीरे धीरे उनके पास पैसा इकट्ठा हो रहा है, तो दे विल बाय स्लोली 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 एक्यूमुलेट करेंगे। अब मान लीजिए कोई स्टॉक बहुत ऊपर आ चुका है, अब उन्होंने उस शेयर में से निकलना है, तो एक ही शॉट में 1 करोड़ शेयर थोड़ी बेच देंगे। जैसे अगर वो इस तरह करेंगे तो मार्केट को क्रैश हो जाएगी वहीं पे। तो वो अगर वो किसी शेयर से निकलना चाहते हैं, वो धीरे 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 निकलेंगे उसमें से। क्यों? क्योंकि अगर वो एक ही लेवल पे सारा का सारा जो डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे तो प्राइस फॉल करेगा, उनको भी स्लिपेज लग जाएगी। तो एक्यूमुलेट जो स्टॉक्स को धीरे धीरे एक्यूमुलेट किया जाता है इंस्टीट्यूशनल्स के द्वारा, और इसी तरह धीरे धीरे लोगों को बांटा जाता है। तो एक चीज बताते हैं, एक चीज मुझे आप बताओ कि दो पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, एक पार्टी है बिल्कुल नोविस और एक है एक्सपर्ट। सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुंचती है या बड़े प्लेयर्स के पास पहुंचती है? इसका आंसर है इंस्टीट्यूशन, बड़े प्लेयर्स के पास, जो ऑपरेटर्स हैं मार्केट के, क्योंकि उनके पास जो सिस्टम है, जो उनके पास रिसर्च है, जो उनकी टीम्स हैं, वो उनके पास न्यूज इन्फॉर्मेशन पहले हमसे पहले होगी, क्योंकि वो मैनेजमेंट के साथ उठते हुए बैठते हैं। हम कहाँ देखते हैं न्यूज? हम देखते हैं इकोनॉमिक टाइम्स में, वो भी अगले दिन पता चलती है, या हम ज्यादा से ज्यादा जी बिजनेस देख लेंगे तो वो खबर हमें, हमारे पास थोड़ी आई खबर पहले, वो हमारे जैसे करोड़ों लोगों के पास वो ऑलरेडी खबर पहुंच चुकी है। तो मार्केट के अंदर जो खबर आ चुकी है वो तो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुकी है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं बचा देखने का। तो बट इंस्टीट्यूशनल के पास वो इनसाइडर इंफॉर्मेशन माइट भी हमसे पहले हो सकती है। तो इस चीज को हम कैसे ट्रैक करेंगे? हम इसको ट्रैक करते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम। किस तरीके से? पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होती कैसे है। सो दोस्तों लेट सपोज एक शेयर है जिसमें एक शेयर एक कंसोलिडेट कर रहा है एक ही जोन में। कंसोलिडेशन मीन एक ही लेवल पे घूम रहा है। तो एक ही लेवल पे जब कोई शेयर घूम रहा होता है तो नेचुरल सी बात है बहुत सारी पार्टीज उसको खरीद रही या बेच रही होती हैं। कोई उसमें खरीद रहा होता है, कोई बाय की पोजीशन बना रहा है, कोई सेल की पोजीशन बना रहा है। जब वो उस स्टॉक में कंसोलिडेशन चल रही है तो कुछ बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, बहुत सारे लोग बेच रहे हैं। तो इस तरह के यहाँ जो जिसके पास इंफॉर्मेशन है इनसाइडर इंफॉर्मेशन, वो माल भर रहा होगा या माल बांट रहा होगा, पर उसके अगेंस्ट उसको क्या चाहिए? उसको ऑडियंस चाहिए। मान लीजिए
मैं एक इंस्टीट्यूशन हूँ, मुझे किसी शेयर के 1 करोड़ शेयर बाय करने हैं, तो मैं धीरे धीरे बाय करूंगा, बट मुझे सेलर चाहिए ना, मैं मार्केट में बैड न्यूज लगवाऊंगा, ये तो बेकार कंपनी है जी, इसमें से निकल जाइए वगैरह वगैरह, तो धीरे धीरे माल भरा जा रहा है। अब हुआ क्या, जैसे हम बात करते हैं वॉल्यूम, एक जिसकी जिस वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ इसको बोलते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम प्रोफाइल। वॉल्यूम प्रोफाइल एक बनता है क्लस्टर। क्लस्टर मीन्स हम देखते हैं कि किस लेवल पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई, किस लेवल पे सबसे ज्यादा काम हुआ, तो विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम मुझे पता चल जाएगा कि यार ये जो क्लस्टर है यहाँ इस तरह क्लस्टर बनता है, इस क्लस्टर पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग जो हुई है वो कहीं यहाँ हुई है, इस लेवल पे हुई है, या आप कह सकते हो कुछ मैं मार्किंग कर रहा हूँ ग्रीन लाइन के साथ इस तरीके से। वॉल्यूम जी, ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल है एक क्लस्टर बना के मुझे दिखाएगा कि मैक्सिमम ट्रेडिंग कहाँ पे हो रही है, तो इस क्लस्टर के अकॉर्डिंगली मैं जजमेंट करता हूँ कि दिस इज द वॉल्यूम का क्लस्टर। जब तक प्राइस इस वॉल्यूम के क्लस्टर में है, मैं ये मान के चलता हूँ कि इट इज द रेंज बाउंड मार्केट। बट जब भी मार्केट इस वॉल्यूम के क्लस्टर को तोड़ेगी, ये इट्स अ वॉल्यूम का, ये वॉल्यूम क्लस्टर है, जैसे ही वॉल्यूम का क्लस्टर ब्रेकआउट होगा किसी भी साइड ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, तो मुझे बताओ जैसे वॉल्यूम मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, वॉल्यूम के अंदर कंसोलिडेशन किया, बट आफ्टर सम टाइम मार्केट ने अपना रेंज तोड़ा, रेंज से बाहर गया मार्केट, इसमें कौन आ रहा है, बायर्स आ रहे हैं सेलर्स आ रहे हैं, एब्सोल्युटली बायर्स आ रहे हैं। उल्टा, इसका उल्टा क्या हो सकता है कि मार्केट ने वो एक रेंज बनाया क्लस्टर का, और बट अब क्लस्टर का बिलो से नीचे से तो इसका बॉटम तोड़ दिया क्लस्टर, वॉल्यूम वॉल्यूम क्लस्टर का, तो अभी इसमें हम क्या कंसिडर करेंगे कि एक रेंज में स्टॉक घूमता रहा, उसके बाद मार्केट ने इसका लो तोड़ा, इस केस में किस पार्टी की विन हुई, बायर की या सेलर की? यस एब्सोल्युटली इस गेम के अंदर सेलर्स की विन हुई। दूसरी तरफ मैं बात करूं, अगर वॉल्यूम का क्लस्टर ऊपर की तरफ तोड़ फूटता है, तो हम ये कंसिडर करते हैं कि किस पार्टी की विन हुई, तो हम बात करेंगे कि यहाँ पे बायर्स की विन हुआ, बायर जीत गए, यहाँ पे जिन्होंने बेचा वो हार गए। तो हम ये मान के चलते हैं कि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हमेशा राइट रहते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि अगर ये क्लस्टर ऊपर की तरफ टूटता है तो मार्केट जो है उसमें बायर्स आ रहे हैं, ये एक वॉल्यूम का जो है फेस है, मार्केट ने इस वॉल्यूम के क्लस्टर को तोड़ा, अक्यूमुलेट किया गया माल और वहां से मार्केट में ब्रेकआउट आया, तो मैं जो भी ट्रेडिंग करूंगा वो बाय की तरफ करूंगा। उल्टा, अगर इसका उल्टा हो, ऊपर की बजाय मार्केट नीचे का लेवल तोड़ दे, तो मैं ये कहूंगा कि मार्केट ने अपना बिलो वॉल्यूम का क्लस्टर नीचे की तरफ तोड़ा है, तो यहाँ पे माल डिस्ट्रीब्यूट किया गया, शेयर डिस्ट्रीब्यूट किए गए, अब ये स्टॉक जो है नीचे आएगा, बिकॉज इसके अंदर डाउन ट्रेंड है, जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं उन्होंने यहाँ पे माल बेचा, क्योंकि यहाँ पे कौन सी पार्टी की जीत हुई, जो पार्टी बेच के चल रही है। तो दोस्तों अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ चार्ट्स के ऊपर, आप मुझे आप अपने लेवल पे बताइए कि किस स्टॉक में आप देखना चाहोगे कि वॉल्यूम का क्लस्टर कहाँ बना है। प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करो कि आप किस स्टॉक की एनालिसिस करवाना चाहते हो, जिसमें हमें पता चल जाएगा कि इस स्टॉक में कहाँ पे ऑपरेटर्स ने माल खरीदा या बेचा। प्लीज टाइप करके बताइए चैट बॉक्स में। रिलायंस, TCS, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट, ओके फाइन, ओके अमर राजा बैटरीज, ओके फाइन, ठीक है, ओके फाइन। चलो हम ऐसा करते हैं, एक एक करके 2-4 शेयरों को पकड़ते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। तो मुझे आपको लेके जाना होगा पहले चार्ट्स के ऊपर, ठीक है। चार्ट्स के ऊपर मैं आपको लेके गया, और मुझे यहाँ पे चार्ट्स ओपन किया मैंने। प्लीज जस्ट 1 मिनट, और भी मुझे मिल रहे हैं पॉलीप्लेक्स प्लीज, और विंडो फार्मा, ठीक है, RIIL, Havels, HDFC। मैं 3-4 शेयरों के ऊपर करके दिखाऊंगा, फिर आप समझ जाओगे, उसके अकॉर्डिंगली आप खुद भी कर लेना, कोई मुश्किल चीज नहीं है, जस्ट 1 मिनट। बट आप सीख ले पहले, अच्छी तरह सीखिए पहले इस चीज को, टाइम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। सो गाइस एक चीज देखो, मैं यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, जो हमने वॉल्यूम की, जो वॉल्यूम का हमने इसके अंदर जो हमने एनालिसिस करनी है, वो एक फिक्स टाइम फ्रेम पे करनी है। मींस अगर मैं फिक्स टाइम फ्रेम का मतलब ये हो गया कि जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ उसके लिए मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ही हमेशा सेलेक्ट करना होगा, जिससे मेरी कंसिस्टेंसी आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कभी 1 महीने के चार्ट पे वॉल्यूम एनालिसिस कर रहा हूँ, कभी 3 महीने के, कभी 2 महीने के, नहीं ऐसा नहीं है। मुझे हमेशा फिक्स एनालिसिस करनी है, फिक्स टाइम फ्रेम पे ही एनालिसिस करनी होगी हमेशा। किस तरीके से, जस्ट 1 मिनट मुझे और सर, ओके सर, पॉलीप्लेक्स हैज गिवन मी जोल्ट, विल बी ग्रेटफुल, ओके मैं अमरीश सर, मैं पॉलीप्लेक्स को जरूर करूंगा सर। हैवल्स इज कंसोलिडेशन, सर हैवल्स और पॉलीप्लेक्स भी हम लेंगे, डोंट वरी, एक मिनट रुक जाइए प्लीज। तो मैं फिक्स टाइम फ्रेम पे ही लेके चलूंगा, जस्ट कि मुझे हमेशा एक फिक्स टाइम फ्रेम लेना है। अब दोस्तों देखो, दो 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 चीजें हैं। अगर आपने
पोजिशनल ट्रेड करना है। पोजिशनल मतलब कि अगर आपने उसको होल्ड करना है 6 महीने साल महीने, तो नेचुरल सी बात है जो मेरा टाइम फ्रेम होगा वो बिगर टाइम फ्रेम होगा, है ना, बिगर टाइम फ्रेम पे हम काम करेंगे। अगर आपने शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना है, स्विंग ट्रेडिंग की हमारी बात हो रही है, जो अगर हमने शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करनी है तो नेचुरल सी बात है मेरा जो टाइम फ्रेम है वो स्मॉलर होगा एज कम्पेयर टू बिगर टाइम फ्रेम। तो मैं क्या करता हूँ आपको दोनों तरीके बताता हूँ, पहले बिगर टाइम फ्रेम पर सिखाता हूँ फिर शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे। मैं दोबारा चार्ट्स पे आपको लेके जा रहा हूँ, प्लीज एक मिनट पे आ जाइए। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं पॉलीप्लेक्स, ठीक है, पॉलीप्लेक्स, ठीक है, पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन, ओके, जस्ट वन मिनट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलीप्लेक्स इसको एनालाइज कैसे करना है। सो गाइस जस्ट वन मिनट, अब यह हम यहाँ देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ ट्रेडिंग, आप ट्रेडिंग व्यू यूज करते हो, प्लीज यस और नो आंसर दीजिए। वॉल्यूम प्रोफाइल इज पेड इंडिकेटर, यस एब्सोल्युटली राइट, बट पेड है इसका मैं फ्री में कैसे यूज करना है वो भी आपको बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सो यस, अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज करते हो, ये ट्रेडिंग व्यू का जो इंडिकेटर है आपको आपके ब्रोकर की तरफ से भी मिलेगा। जैसे आप जीरो धन में काम करते हो तो जीरो धन में भी इज इट अवेलेबल, धन ऐप है जो धन में भी अवेलेबल है, वहां पे वहां आपको पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे जाते हैं, हमें नीचे टाइम फ्रेम लिखा रहा है, नीचे यहाँ देखो 1 day 5 day, हमें यहाँ पे फिक्स टाइम फ्रेम यूज करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 year का टाइम फ्रेम यूज किया हमेशा, ठीक है, जी मैं यहाँ 1 year का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ, तो इट्स अ पॉलीप्लेक्स जो है वो मेरे सामने लगा दो। तो अब इसमें मुझे क्या करना है, जो टूल यूज करना है वॉल्यूम प्रोफाइल, वॉल्यूम प्रोफाइल यूज करना है, मेरे ऑलरेडी लगा इसको मैं हटा देता हूँ, जस्ट वन मिनट। तो आपको क्या करना है, इंडिकेटर्स में जाना है, यहाँ पे टाइप करना है वॉल्यूम, VOLUME वॉल्यूम प्रोफाइल, वॉल्यूम प्रोफाइल जैसे आप टाइप करोगे यहाँ पे लिखाएगा वॉल्यूम प्रोफाइल विजिबल रेंज। याद रखना बहुत सारे वॉल्यूम प्रोफाइल मिलेंगे, बट आपको यूज करना है वॉल्यूम प्रोफाइल विजिबल रेंज। जैसे ही आपने वॉल्यूम प्रोफाइल को यूज किया, यहाँ पीछे वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर आपका लगा जाएगा, ठीक है। अब मैं मिस्टर, आपने मेरे से पूछा कि पॉलीप्लेक्स के बारे में, मिस्टर योर नेम वाज अमरीश सक्सेना, अमरीश सर मैं कोशिश करूंगा मैं आपको ये बताने की कि भाई आपने ये शेयर किस रेट पे खरीदा है, आप मुझे बताना कि सर आपने सही पकड़ा या गलत पकड़ा, ठीक है। माइट भी मैं 2-4% से मिस्टेक कर जाऊं, बट आई विल ट्राई टू कैच कि आपने किस रेट पे बाइंग की होगी, ठीक है ना। देखो आपने मुझे बताया नहीं कि आपने ये खरीदा, आपने सिर्फ ये बताया कि मैंने बाय किया था, बट आपने ये नहीं बताया कि मैंने किस रेट पे खरीदा था। अब मैं ट्राई करूंगा उसको पकड़ने की आपने किस रेट पे खरीदा था, ठीक है, जस्ट वन मिनट, ओके। और मैंने ये भी नहीं पूछा आपसे कि आपने कब खरीदा था, बट मैं अपने माइंड से गैस लगाऊंगा विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम, देखते जाइए, ये है एक्सपीरियंस। सो अभी हम इसको क्या करते हैं, थोड़ी सी सेटिंग इसको चेंज करनी होगी, मैं ना इसको राइट साइड करता हूँ। जैसे मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल लगाया, एक मिनट मैं दोबारा पूछना चाहूंगा, क्या वॉल्यूम प्रोफाइल लगाना आ गया सभी को, कैसे लगाते हैं, प्लीज यस योर नो में सर दे दीजिए, ये दोबारा लगा के बताऊं, नो गणेश जी बोल रहे हैं नो नो नो, ओके ठीक है दोस्तों, दोबारा देखो कैसे लगाना है, मैं इसको हटा रहा हूँ। आपने स्टॉक सेलेक्ट किया, इंडिकेटर्स में जाना है, यहाँ पे इंडिकेटर्स, यहाँ पे टाइप करना है वॉल्यूम प्रोफाइल। अगर आपके पास पेड वर्जन नहीं है तो फ्री में भी अवेलेबल है ट्रेडिंग व्यू पे, वो भी मैं आपको अभी 2 मिनट में बता दूंगा, डोंट वरी। तो वॉल्यूम प्रोफाइल को सिलेक्ट किया आपने, ये लग गया अपना वॉल्यूम। अब वॉल्यूम प्रोफाइल की सेटिंग्स में जाना है, इस पर आप डबल क्लिक करोगे, कहीं भी डबल क्लिक यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ वॉल्यूम प्रोफाइल की सेटिंग्स में भी जा सकते हो। इनपुट्स में जाना है आपको, इस ध्यान रखिए रो साइज को 24 है, इसको 100 करना है आपको, वैल्यू एरिया को अभी आपने 70 ही करना है। स्टाइल में आपने क्या करना है, देखो ध्यान से, स्टाइल में आपने क्या करना है, मैं इसकी प्लेसमेंट को लेफ्ट कर देता हूँ, मुझे इस तरफ चाहिए ये इंडिकेटर, ठीक है। उसके बाद नीचे है VAH VAL, इन दोनों को मैं एक्टिवेट कर देता हूँ, ये मेरा बैंड है, अगर इस बैंड के अंदर प्राइस है तो रेंज बाउंड, अगर इस बैंड को तोड़ गया तो डाउन ट्रेंड, ठीक है। मैंने इनको इन सारी सेटिंग्स को दोबारा रिपीट कर देता हूँ, रो साइज को 100 कर दिया, स्टाइल में जाने के बाद वॉल्यूम प्रोफाइल को मैंने प्लेसमेंट लेफ्ट कर दी और VAH VAL को एक्टिवेट कर दिया और इसको ओके कर देने का, ठीक है। ओके करने के बाद ये आ गया। सो अब मेरे पास देखो ये एक बैंड बन गया है वॉल्यूम का क्लस्टर, जब तक इस वॉल्यूम के क्लस्टर में है रेट, ठीक है ना, तब तक तो मार्केट जो है आप समझ लीजिए कि ये स्टॉक इस नीचे बॉटम पे सपोर्ट लेगा और ऊपर रेजिस्टेंस लेगा, नीचे सपोर्ट लेगा ऊपर रेजिस्टेंस लेगा, ठीक है। जस्ट वन मिनट मैं थोड़ी सी और सेटिंग कर दूं इसकी, जस्ट वन मिनट,
ओके, तो यहाँ पे ये है हमारा अपना वॉल्यूम जो है, मैंने वॉल्यूम पर फाइल लगाया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दोबारा, जब ये ऑटोमेटिकली अपर लाइन और लोअर लाइन ये ड्रॉ हो जाएगी, जो भी आप विजिबल चार्ट देख रहे हो इस वॉल्यूम प्रोफाइल के अंदर, जो मैंने इस ये क्लस्टर है, इस क्लस्टर के जब तक प्राइस अंदर है तो बॉटम जो ये नीचे वाली लाइन है ये सपोर्ट का काम करेगी और ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगी। बट अगर जैसे इसने सपोर्ट तोड़ा फिर यहाँ से इसका डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। अभी अभी क्या पेड इंडिकेटर है? नहीं, ये पेड है, बट ये आप ये इंडिकेटर आपके ब्रोकर्स के पास भी अवेलेबल है और ट्रेडिंग व्यू में ये फ्री में भी यूज हो जाएगा। मैं आपको उसका मेथड भी बताऊंगा, बने रहिए बस, डोंट वरी, टेंशन ना कीजिए, ठीक है। जस्ट वन ओके अमरीश सर, अभी हम बात करते हैं आपके बात इंडिकेटर की। आपने क्वेश्चन पुट करा था कि पॉलीप्लेक्स के बारे में बताइए। तो इस इंडिकेटर के अंदर एक फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं पीओसी लाइन, पॉइंट ऑफ कंट्रोल एरिया, जहां पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई होती है। तो मैं उसको भी एक्टिवेट कर लेता हूं इस पॉइंट पे। तो मेरी ये रेड कलर की लाइन अगर आप देख रहे होंगे, यह इस पूरे चार्ट पे जो ट्रेडिंग हुई है वो इस लेवल पे हुई है 1850 लेवल के 46 के रेट पे। तो अगर मैं इसकी राउंड फिगर लेके चलूँ तो 1850, तो मैं क्या आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने ये इसको 1850 की रेंज में, ये 1850 की रेंज में बाय किया था शेयर? प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए। अमरीश सर अगर आप सुन रहे हैं, अच्छा आपका और भी ऊपर का खरीदार किया हुआ है, ओके फाइन, सो माइट बी, बट जो मैक्सिमम ट्रेडिंग हुई है वो इसकी हुई है 1800 के रेट पे। आप तो बहुत हाई रेट पे खरीद के बैठे हो, विच इज मतलब फिर तो एक मिनट रुकिए, ओके 2162 रुपये। अगर मैं वन ईयर यहाँ सेलेक्ट करता हूँ तो मेरी पीओसी लाइन आ रही है 2162 रुपये पे। तो जस्ट वन मिनट, आपका है 2124 रुपये का भाव। सो आप एक चीज देखिए, यहाँ पे हमने वन ईयर सेलेक्ट किया, इट इज अ वॉल्यूम क्लस्टर, तो हमारी जो पीओसी लाइन है इस प्लेस को, इस लाइन को देखेंगे वो है हमारी 2162 रुपये पे। तो पिछले एक साल में जो ये स्टॉक है, इस स्टॉक का मैक्सिमम जो ट्रेडिंग हुई है वो 2162 रुपये के ऊपर हुई है। 2162 रुपये सारी ट्रेडिंग नहीं हुई, मीन्स इसके आसपास भी हुई होगी, कोई 10 रुपये ऊपर कोई 10 रुपये नीचे, बट मुझे हमेशा यहाँ वन ईयर ही सिलेक्ट करना है, ये इसको मैं चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी मीन्स कि हमेशा मैं जब चेक करूंगा तो वन ईयर का ही टाइम फ्रेम लेके चलूंगा, ना कम ना ज्यादा, बिकॉज नहीं तो हर बार मेरी जो एक्यूरेसी है या कंसिस्टेंसी है वो चेंज होगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर जो खरीदारी हुई है पिछले एक साल के अंदर अंदर, वो जो खरीदारी है बिकवाली कुछ भी, मैक्सिमम ट्रेडिंग पिछले एक साल के अंदर हुई है 2150 के भाव के आसपास, राउंड फिगर लेके चलें, क्योंकि हमारी पीओसी लाइन जो आ रही है 2160 के आसपास आ रही है। तो अब देखते हैं क्या हुआ, 2150 में नेचुरल सी बात है सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है, उसके बाद प्राइस मुझे बताइए निचले क्लस्टर की लोअर बाउंड्री पे आया, सपोर्ट लेने की कोशिश की बट सपोर्ट लेके स्टॉक है यहां से टूट गया। तो इसमें अभी कौन सा ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है? प्लीज चैट बॉक्स में आप एंटर करके बताइए, व्हाट इज द ट्रेंड इन दिस स्टॉक, बाय या सेल? सर व्हाट इज द रो एंड व्हाई 100, व्हाई 100 एंड व्हाट इज डाउन एंड व्हाई, ओके जस्ट 100, ओके सेल्स डाउन डाउन, ओके। सो एक पर्सन ने क्वेश्चन किया कि जब आपने सेटिंग की थी तो इनपुट में यहाँ रो साइज बाय डिफॉल्ट 24 होता है ना, तो आपने 100 क्यों किया? तो गाइस जो ये जो रोज हैं, ये 24 रोज बनी आती हैं बाय डिफॉल्ट, हमें और प्रीसाइज लेवल पे जाना होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसको बिल्कुल रोज को इंक्रीज कर देते हैं, तो हमें एक्यूरेट पिक्चर पता चल जाती है। और नीचे है वैल्यू एरिया 70, तो ये 70 क्यों है, मुझे जहां भी देखो ट्रेडिंग तो हर जगह हुई है, बट मुझे वो एरिया चाहिए जहां 70% बिजनेस हुआ है, 70% काम हुआ है, तो मुझे वो 70 यहां पे, इसलिए मैंने यहां पे 70 रखा। और मैंने टाइम फ्रेम सेट किया एक साल का, कि एक साल में पिछले सबसे ज्यादा ट्रेडिंग कहां पे हुई है, तो यहां पे एक साल रखने के बाद मैक्सिमम जो ट्रेडिंग हुई है एक साल के अंदर अंदर वो 2150 या 2162 के लेवल पे हुई है। तो इट मीन्स यहां किसी ने खरीदा किसी ने बेचा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसके बाद हुआ क्या, हुआ ये कि इसने अपना लेवल तोड़ा नीचे की तरफ। जब इसने अपना लेवल तोड़ा नीचे की तरफ तो यहां से कौन सा ट्रेंड शुरू होता है, डाउन ट्रेंड। तो मुझे आप एक चीज बताइए कि डाउन ट्रेंड में बाय करके चलना चाहिए या सेल, बट इफ ब्रेकआउट हैपन देन बाय। चलो जो होगा वो बाकी बातें हैं, मार्केट को कभी प्रेडिक्ट नहीं करने का कि अगर ये हो गया वो हो गया, जो होगा सबको दिखेगा, बट अभी क्या सिचुएशन है, यही तो प्रॉब्लम है हमारी। हम मार्केट के साथ हम हमेशा फाइट करते हैं, अरे यार बहुत चढ़ गई है अब गिरेगी, अब तो पक्का गिरेगी, बहुत चढ़ गई है वो और ऊपर चढ़ जाता है, अब तो पक्का गिरेगी तो बहुत ही ऊपर चढ़ गई और बेच दो एवरेज कर लो, वो और ऊपर चढ़ जाता है। इस तरह नहीं करना, कभी भी
देखो ये यहाँ से चढ़ेगा या यहाँ से चढ़ेगा कहाँ से, इसका नो बड़ी नोज, जब तक प्रॉपर इंडिकेशन नहीं आ जाती तब तक इसमें बाइंग नहीं करने का। डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड है, मार्केट के साथ जिसने फाइट की वो हमेशा लॉस ही उठाएगा। ठीक है, अभी चलते हैं आगे। अब इसमें ट्रेडिंग कैसे करनी है, ध्यान रखिए इसमें ट्रेड कैसे लेना है, अब वो बात करते हैं मुके के। तो अगर इसमें ट्रेड करना है तो हमें ट्रेड करने के लिए कोई ना कोई टूल तो चाहिए चाहिए, तो विदाउट टूल या हमें पता होना चाहिए कि कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे ध्यान रखिए, सबसे पहले कैंडल्स को चेंज करूंगा मैं। यहाँ पे कैंडल्स को लेना है हाई के नाशी कैंडल्स, हाई के नाशी, ठीक है, वो यहाँ पे नॉर्मल कैंडल यूज नहीं करनी, यहाँ पे यूज करना हाई के नाशी कैंडल। चलो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, आप मुझे बताओ यस और नो में ये आंसर देना, जो वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर है, क्या आप इसको फ्री में लगाना चाहते हो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर? आपको आप यस, क्या वॉल्यूम प्रोफाइल फ्री में लगाना चाहते हो? प्लीज आंसर कीजिए यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू वांट सर, धन में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो मुझे नहीं आ रहा है धन में, भाई आपको लगाना नहीं आ रहा, आएगा, मैंने खुद चेक किया है। ओके सो नाइस, प्लीज अभी देखो कैसे लगाना है, मैं इसको आपको लगा के दिखाता हूँ कि फ्री में ट्रेडिंग व्यू पे वॉल्यूम प्रोफाइल कैसे लगाना है। ध्यान दीजिए प्लीज, फोकस कीजिए यहाँ पे। ओके थैंक यू दीपक। सो आपको क्या करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ, ठीक है, दोबारा देखिए ये टूल्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ, सेवन्थ में सबसे लास्ट में जाना है, यहाँ लिखा है फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल पे सिलेक्ट करना, कर लिया, कुछ नहीं करना। फर्स्ट जो आप चार्ट देख रहे हो यहाँ नीचे वन ईयर सिलेक्ट करना है, ध्यान रखो मैं गलती मैंने भी यही की थी स्टार्टिंग में, मैं पिछले दो साल का चार्ट देख रहा था, यहाँ वन ईयर सिलेक्ट करना, वन ईयर सिलेक्ट करना, ठीक है। वन ईयर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पहले कैंडल पे एक सिंगल क्लिक करना है, जैसे आप सिंगल क्लिक करोगे एक एक, एक लाइन बननी शुरू हो जाएगी, इस लाइन को सबसे लास्ट वाली कैंडल पे लाकर टच करवा देना, जैसे ही टच करवाओगे ऑटोमेटिकली ये वॉल्यूम प्रोफाइल बन जाएगा। बन गया नहीं बन गया, अगर कहते हो दोबारा लगाना है तो मैं लगा देता हूँ दोबारा। देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, सेवन्थ टूल में सबसे नीचे है फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, इसको सेलेक्ट कीजिए, पहली कैंडल पे सेलेक्ट कीजिए, सबसे लास्ट वाली कैंडल पे लाकर छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिकली वॉल्यूम प्रोफाइल बन जाएगा। अब यहाँ पे आप अपना बॉक्स ड्रॉ कर लो, कैसे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ में जाओ, यहाँ पे रेक्टेंगल आएगा, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ऐसे करके मार्क कर, जैसे आपने रेक्टेंगल मार्क कर लिया, 70% वॉल्यूम एरिया को आपने सेलेक्ट कर लिया कि जहां भैया 70% बिजनेस हुआ है, उसी को ध्यान में देना है, 30% जो कचरा है उसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। बन गया, मजा आ गया नहीं आ गया, प्लीज यस और नो लिख के बताइए। 40,000 रुपये वाली चीज फ्री में दे दी आपको मैंने, जो ट्रेडिंग व्यू पे पेड पैकेज में मिलती है, ये एक्सपीरियंस है और कुछ नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको बेनिफिट मिले चीज का। यस हाउ आई वुड नो 70%, यहाँ भैया मैंने यहाँ पे जब हमने इसकी सेटिंग की थी ट्रेडिंग व्यू की, तो उसके अंदर हम डबल क्लिक करके देखते हैं, तो यहाँ पे हमने वैल्यू एरिया 70% सेलेक्ट नहीं किया था, अगर इसको मैं शो कर दूंगा तो ये सारे का सारा एक्टिव हो जाएगा, मुझे सारा एक्टिव नहीं करना, मुझे 70 ही एक्टिव करना है, जहाँ पे मेन बिजनेस हुआ उस उतने एरिया को ही, यहाँ पे आपको 70 ही एक्टिव चलना है, तो 70% एरिया के अंदर है तो रेंज बाउंड, तो उसकी अपर वॉल रेजिस्टेंस लोअर वॉल सपोर्ट, बट जैसे ही वॉल्यूम का क्लस्टर तोड़ा तो ब्रेकआउट आता है। तो मुझे बताइए कि इस शेयर में डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है, टाइप करके बताओ भैया, इतना ना पूछो कार भी। चलो कोई बात नहीं, डाउन ट्रेंड एब्सोल्युटली राइट। अब देखो डाउन ट्रेंड में मजा था, अब मुझे बताओ सीधी सी बात है, जब डाउन ट्रेंड हुआ था शॉर्ट करने का बेनिफिट था या नहीं था? है था ना, तो डाउन ट्रेंड में जो है वो शॉर्ट करने का इसका, हाँ इसकी पीओसी लाइन देखो कहाँ पे है, इसकी पीओसी लाइन है 2180 के आसपास आ रही है। तो मैंने सर से पूछा था कि आपकी बाइंग कहाँ पे हुई है, तो सर ने मिस्टर आई फॉरगॉट द नेम बताए, और उसने इस स्टॉक के बारे में पूछा था मेरे से, मिस्टर अंकित, ओके अब काफी पीछे चला गया अनिल, सो उन्होंने बोला था मेरी 2120 के आसपास है। तो वॉल्यूम प्रोफाइल हमें बता रहा है कि मैक्सिमम ट्रेडिंग हुई है 2150 2160 के आसपास, तो बहुत सारे मुर्गे इस रेट पे ही फंसे हैं। ट्रिक्स, ये ट्रिक है इंस्टीट्यूशनल की, आपको बाय करवाया गया, आम माल बेचा गया और वहीं से मार्केट पलट गई, ये बात एग्री करते हो नहीं करते हो? चैटबॉक्स में टाइप करो यस, अगर आप एग्री करते हो मेरी बात से, कि जहां हमें खरीदवाया गया वहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम बना, क्योंकि जब हमें खरीदवाया गया रिटेलर्स को वहां पे माल बेचा गया, तो बेचने वाले कौन है भाई, जो स्मार्ट लोग हैं,
और हमें माल चेप गए और हम लेके बैठे हैं और उम्मीद लगा के बैठे हैं चढ़ेगा चढ़ेगा, एब्सोल्युटली राइट। अब देखो हमें, मेरी बात याद रखना, आपको मैं 14 साल के एक्सपीरियंस का बता रहा हूँ। टीवी देख के जिसने ट्रेडिंग की, जिसने टीवी देख के ट्रेडिंग की, वो कल नहीं, वो आज नहीं, वो अभी गया, वो गया ही गया, उसने कभी पैसा बनाया नहीं है। मैं आपको दिखा सकता हूँ अपनी, अगर इन द फ्यूचर आप मेरे से मिलोगे कभी, बात करोगे, तो मैं दिखाऊंगा कि मुनाफा बनता कैसे है रियल में। और मजा भी आता है यार, कुछ प्रॉफिट जब हाथ में आता है ना महीने के बाद, तो अच्छा लगता है कि यार मेरी मेहनत है। एनीवे, अब यहाँ ट्रेडिंग करनी कैसे है, अबाउट एज पर द एडवाइस ऑफ जी बिजनेस। अच्छा अमरीश सर आपके, यार मेरी बात सुनो, जी बिजनेस है क्या, व्हाट इज जी बिजनेस? मीडिया हाउस है, किसके लिए काम कर रहा है? पैसे के लिए कर रहा है ना, सैलरियां देनी है। कोई भी जी बिजनेस का बंदा, कोई भी बंदा जो वहां आता है, कभी भी आपको किसी शेयर के बारे में बुरा बोल ही नहीं सकता। जिस दिन किसी एडवाइजर ने किसी शेयर के बारे में बुरा बोल दिया, आएंगे आएंगे इनकम जी हैवल्स पे भी आएंगे, टेंशन नहीं, इसके बाद हैवल्स का ही नंबर है। अगर किसी ने किसी शेयर के बारे में बुरा बोल दिया, उसके बाद उस शेयर की मैनेजमेंट उस एडवाइजर से बात ही नहीं करेगी, भाई तू हमारे शेयर के बारे में खराब बोलता है। तो आपको हमेशा वहां अच्छी खबरें ही लगेंगी। तो आप इसलिए जी बिजनेस ने आपको बाय करवाया और ऑपरेटरों ने वहां माल बेचा, 2160 2150 के लेवल पे बेचना शुरू किया। आपने 2150 पे देखा होगा और जिस दिन 2120 का रेट आया होगा, आपने बोला होगा हाँ ठीक है अभी मिल रहा है, 2120 ले लो और लेके वह फंस गए और आपको इसने दिया होगा मोटा रकड़ा। अगर आप निकल गए तो भी लॉस में निकले होंगे, अगर आप लेके बैठे हो तो भी और रगड़ेगा आपको। जब तक आप थक के हार के निकल नहीं जाओगे तब तक आपको लॉस लेगा। तो अभी इसमें गेम बताता हूँ खेलना कैसे होता है। इसमें आपने ये वॉल्यूम का क्लस्टर बनाया। अब यहाँ पे मैं एक स्पेशल इंडिकेटर लगाऊंगा, ध्यान रखना, वो आप किसी को पता नहीं होता उसके बारे में, ठीक है। जस्ट मैं चैट पर क्या लिखा रहा है, ठीक है, रहेंगे आप कैन बी यूज इंट्राडे ऑप्शंस। जो मेरी क्लास है राजन जी, ये ना अभी इन्होंने मुझे बोला कि स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर आप लीजिए ऑप्शन, में मैं ऐसी जबरदस्त चीजें आपको बता सकता हूँ, यू कैन नॉट बिलीव। इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखे गेम खेलनी कैसे है, हेजिंग करनी, ग्रीक्स कैसे शॉर्ट करने हैं, ईच एंड एवरीथिंग आई कैन टीच यू, बट इस सेशन में नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम की कमी है। आप समझ सकते हैं मेरी बात को, फिर कभी बात करेंगे, ठीक है, डोंट वरी, हाँ, नो प्रॉब्लम। बट हाँ, तो अभी जो मैं गेम बता रहा हूँ, ऑप्शन बहुत जबरदस्त गेम है, वहीं पैसा बनता है, बट वहाँ उड़ता भी है, तो वो इससे भी ज्यादा रिस्की है। तो उसके लिए तो बहुत ही जरूरी है कि आप मेंटरशिप में काम करो, विदाउट मेंटरशिप तो वहाँ जीरो हो जाएगा पैसा। एनीवे, थैंक यू, ओके भाई, ठीक है राजन जी, मैं आपको फिर सिखा दूंगा, आज आप स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर फोकस कीजिए। सो अभी क्या करने जा रहे हैं, हाँ, ट्रेड कैसे करना है, एक स्पेशल इंडिकेटर लगाऊंगा यहाँ पे जिसका नाम है शैंडलियर्स। ध्यान रखना इंडिकेटर्स में मैं गया, मैं टाइप करूंगा CHANDELIER, स्पेलिंग याद नोट कर लो फटाफट कॉपी पे, CHANDELIER, शैंडलियर, नोट कर लिए प्लीज चैट बॉक्स में, यस करके बोल दो कि हाँ समझ आ गया, फिर मैं चलता हूँ। शैंडलियर नोट करो इसको, फिर ना कहना नोट नहीं किया जी, आप दोबारा दोबारा बताओ। शैंडलियर नोट कर लिया प्लीज आपने, ओके यस, ओके थैंक यू। शैंडलियर एग्जिट बहुत सारे मिलेंगे आपको, बहुत सारे मिलेंगे, बट आपको कौन सा शैंडलियर लगाना है जिसके सामने एवर गेट लगा हुआ है, शैंडलियर एग्जिट बाय एवर गेट, इसका कोड यहाँ 9414 आ रहा है, यही लगाना है और कोई नहीं लगाना, ठीक है, बस ध्यान रखना, बाकी सब कचरा है। शैंडलियर एग्जिट को एक एक क्लिक करना है, ओके। अब देखो क्या है गेम, जैसे शैंडलियर एग्जिट लगाया, इसकी सेटिंग्स में जाना है। क्या आपको इंडिकेटर्स की सेटिंग चेंज करनी आती है, यस और नो करके बताओ, आती है जी? क्या आप इंडिकेटर्स की सेटिंग चेंज कर लेते हो? ओके ठीक है, थैंक यू। सो सेंडिंग एग्जिट की सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे इसको चेंज करके करना है 2 and 2। अब ये मत पूछना 2 and 2, क्योंकि ये मैं आगे आपको सिखाऊंगा 2 and 2 क्यों है। अगर आपने पोजिशनल खेलना है, थोड़ा लंबा खेलना है, मतलब होल्ड करके चलना है, आप कहते हो कि मेरे अंदर पेशेंस है, मैं इसको थोड़ा ट्रेड मतलब पोजिशन लेना चाहता हूँ, मैं 2-3 महीने रखना चाहता हूँ, तो आपको उसकी सेटिंग करनी है 3 and 3, ठीक है। अगर आप कहते हो कि नहीं, मैंने इसकी मैंने शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना है, 1 महीने के अंदर अंदर मैंने मुनाफा बुकिंग करनी है, फिर इसकी सेटिंग करनी है 2 and 2। आप मुझे बताइए कि आपका जो ट्रेडिंग का स्टाइल है वो किस तरह का है, आप 1 महीने के अंदर अंदर मुनाफा बुक करना चाहते हो या 2-3 महीने रखना चाहते हो, प्लीज चैट बॉक्स में अंदर बताइए। सर ये इंडिकेटर फ्री में कैसे करूँ, यार फ्री है, इसमें कौन सा पैसे मिल रहे हैं विद इन अ वन मंथ? नो का मतलब क्या है? 3 months, 1 month, आप 1 month वाले ट्रेडर हो, विद इन अ 1 month स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो या 2-3 महीने का व्यू लेके खेलना चाहते हो शॉर्ट टर्म? 2-3 days, पहले ना बोल रहे 2-3 days, 2-3 days इंट्राडे के अंदर आते, बोथ इंट्राडे एंड इंटर,
नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। हेलो सर, आई वांट टू लर्न ट्रेडिंग, प्लीज लेट मी नो इफ यू प्लीज आल्सो। कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे। 1 month, ओके ठीक है, डोंट वरी। तो मैं ये मान के चलूँ कि आपने जो सौदा रखना है 1 महीने के अंदर अंदर मुनाफा, 10 से 15 दिन जो है मुनाफा ही है, मुझे आपसे मिलना है। वो बाद में मिलेंगे सर, अभी नहीं। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंटरडे, सो 1 से 3 महीने, बस बस और मैं टाइप करूँ, मैं समझ गया। तो भाई ज्यादातर बंदे ये कह रहे हैं कि मुझे 1 से 1 महीने के अंदर अंदर का ट्रेड बता दो, मुझे ज्यादा उसको रखना ना पड़े, क्योंकि 3 महीने की क्या दिखा, 3 महीने में सौदा लेके रखा हुआ है, मुनाफा आ रहा है, और इंडिया चाइना की लगी जंग, वो सारा पानी हो गया चौपट। तो ज्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, ट्रेडर का मतलब मुनाफा खींचने वाला बंदा, फिर तो इन्वेस्टर ही बन जाओ ना, अगर ये बात है। 1 month का अगर आप गेम खेल रहे हो तो यू आर गुड, स्विंग ट्रेडिंग उसी को बोलते हैं, ठीक है। देगा चार्ट, यहाँ पे 1 year सेलेक्ट करना है, और यहाँ सेंडियर लगाना है 2-2 की सेटिंग के साथ। अब देखो मेरे भाई, सेंडियर जब सेल देगा, जब देगा सेंडियर सेल, तो सेल करना है, बट ट्रेंड होना चाहिए डाउन, याद रखना। अगर ट्रेंड के साथ फाइट की तो रगड़े जाओगे, रिपीट कर रहा हूं, अगर ट्रेंड डाउन है तो आपको शॉर्ट ही खेलना है, बाय नहीं खेलना, सेंडियर बाय और सेल दोनों देगा। बट अगर ट्रेंड अप डाउन ट्रेंड है तो हम सिर्फ शॉर्ट सेलिंग करेंगे, अगर ट्रेंड अपसाइड है तो सिर्फ और सिर्फ बाइंग ही करेंगे, शॉर्ट सेलिंग नहीं करेंगे, चाहे शैंडलियर हमें सेल का सिग्नल दे। याद समझ के मेरी बात, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड के साथ चलना है, ट्रेंड के साथ फाइट नहीं करनी है। अगर डाउन ट्रेंड है तो शॉर्ट सेलिंग करेंगे बस, अगर ट्रेंड अपसाइड है तो सिर्फ बाइंग करके ही चलेंगे, सेल वाला ट्रेड छोड़ देंगे चाहे जितना मर्जी अच्छा लग रहा हो, क्योंकि मुझे अपनी जीत की प्रोबेबिलिटी, अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करनी है। मैं आपकी प्रोबेबिलिटी 70% से ज्यादा देखना चाहता हूँ, कि भाई आप 10 ट्रेड मारो, 7 में जाए प्रॉफिट, 3 में आए नुकसान, नेट नेट में घर में 4 ट्रेड का गोलक में जाए प्रॉफिट, आप बनो सक्सेसफुल ट्रेडर। सक्सेसफुल ट्रेडर वो नहीं है, मेरी बात ध्यान से रखना। हाउ फाइंड एक्सेट्रा ट्रेंड, अभी करेंगे बात, कहने प्लीज 1। अब हाँ भैया, इसके बाद दूसरा कर लेते हैं, डोंट वरी। देखो सक्सेसफुल ट्रेडर की क्या डेफिनेशन है, आप कहीं कहीं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो सक्सेसफुल ट्रेडर है, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है, मैंने इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर काम किया है, क्या आपको लगता है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर सारे ट्रेड्स में प्रॉफिट बनाता है? ऐसा आपको लगता है कि इंस्टीट्यूशनल सारे जितने भी ट्रेड करेगा सभी में प्रॉफिट बनाएगा? नो नो एब्सोल्युटली। बस और मैं टाइप करना, बस बस ठीक है, और मैं टाइप करना सर, इफ ट्रेंड डाउन बट चेंजिंग हाउ टू डिटरमाइन, वो सही, अगर ट्रेंड डाउन है वो चेंज हो रहा है तो हमें वो शैंडलियर बताएगा, डोंट वरी, उसकी मैं प्रैक्टिकल सारा बता दूंगा आपको। तो दोस्तों सक्सेसफुल ट्रेडर कौन है, मान लीजिए आपकी जो एक्यूरेसी है वो 70% है, ठीक है, आपने ट्रेंड सही पकड़ा, सही जगह एंट्री ली, सही जगह एग्जिट कर रहे हो। दुनिया का कोई माइका लाल, मेरी आज मैं लिख के दे देता हूँ, कोई माइका लाल टॉप और बॉटम नहीं पकड़ सकता, जो अगर पकड़ ले जो बोलेगा मैं करने के लिए तैयार। आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी हाई करनी है जीतने की, अगर आप 70% एक्यूरेट हो, याद रखना, अगर आप 70% एक्यूरेट हो, तो अगर आप लेट्स सपोज 10 ट्रेड्स कर रहे हो, 10 ट्रेड्स इन अ मंथ, 1 महीने में आपने 10 ट्रेड किए पोजिशनल, तो लेट्स सपोज 7 गए राइट और 3 गए रॉन्ग, ठीक है, और जो राइट गए उसमें आपने लेट्स सपोज 2000 रुपये कमाया, और जो रॉन्ग गए उसमें पर ट्रेड आपने 2000 का नुकसान उठाया, तो 7×2=14,000 रुपये आपके गोलक में आया, और 6000 रुपये आपका गया एट द एंड ऑफ द मंथ। जब प्रॉफिट एंड लॉस की शीट बनेगी आप 8000 के प्रॉफिट में हो, याद रखना, जो बंदा नेट नेट में प्रॉफिट में है वो प्रॉफिट में है, हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं बनाना, जब एग्जिट आए एग्जिट करना, बस याद रखना आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए विनिंग। तो मैंने आपको स्विंग ट्रेडिंग का तरीका बताया, 7-10 ट्रेड किए, 60 ठीक 3 गलत, जब 3 गलत है खुशी खुशी लो, हो गया कोई बात, अगला ट्रेड ठीक आएगा, 14,000 कमाया, 6,000 दिया, घर में 8,000 आया। जब अगर आपकी अगर आप नेट नेट में प्रॉफिटेबल हो, या आप सक्सेसफुल ट्रेडर हो या नहीं, यस और नो आंसर दो, अगर आप नेट नेट में प्रॉफिटेबल हो तो क्या आप सक्सेसफुल ट्रेडर अपने आप को मानोगे? नहीं। 1 महीने के बाद आपने सारा डब्बा बंद कर दिया, सारे ट्रेड काट दिए, गोल्ड में 8,000 रुपये पॉजिटिव है, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो या नहीं? यस हो, बिल्कुल हो। सक्सेसफुल ट्रेडर वो थोड़ी है जो सारे ट्रेड में बस प्रॉफिट बनाए, सक्सेसफुल ट्रेडर वो है जिसका 31 मार्च को मुनाफा दिखा, जिसके अकाउंट में एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जिस कंपनी के अकाउंट में प्रॉफिट है वो प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो ये है ट्रेडिंग का असली गुण, आपको पहले प्रॉबिलिटी हाई करनी है, जीतने की प्रॉबिलिटी हाई करनी है, और फिर आगे डिसिप्लिन रखना है। आप आगे चलते हैं, इसी ट्रेड के ऊपर आते हैं दोबारा यहाँ पे। तो भाई साहब यहाँ देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सेल का सिग्नल चल रहा था यहीं पहले से,
ठीक है, यहाँ से एक साल दोबारा करता हूँ, गलती हो जाती है, ध्यान रखना, यहाँ एक साल ही रखना है आपको। इसका सेल का सिग्नल आया है यहाँ पे 2280 रुपए के आसपास, तो यहाँ सेल का सिग्नल आ गया पहले ही, तो मुझे बताओ कि यहाँ बाय करना बनता है नहीं बनता? शेंडलियर में सेल दे दिया, क्या यहाँ बाय करना बनता है नहीं बनता? चैट बॉक्स में बताइए, शेंडलियर सेल्स का सिग्नल दे रहा है, क्या बाय करेंगे? क्यों करेंगे भाई? कैन यू ऑल्सो बिटवीन बाय ऑप्शन, या ऑप्शन की क्लास बाद में लगेगी, रुक जाओ। नहीं, यहाँ सेल का सिग्नल है तो अभी हम सेल बाय नहीं करेंगे। अब देखते हैं आगे, वॉल्यूम प्रोफाइल से प्राइस नीचे आ गया, जहां कहां आ गया देखते हैं, इसको हम मार्किंग करते हैं दोबारा। मैं बना रहा हूँ ये वाला अपना बॉक्स, ठीक है। अब देखते हैं, इसने अपना क्लस्टर तोड़ दिया, क्लस्टर यहाँ ब्रेक किया, क्लस्टर जैसे इसने ब्रेक किया, यहाँ तो भाई वैसे भी नहीं बनता। अब देखते हैं शॉर्ट सेलिंग कहाँ खेली है, यहाँ आया सेल का ट्रेडर, क्या भाव है यहाँ पे, यहाँ रेट देखना 1770 का सेल आया, कहाँ लो मारा इसने 1480 रुपये, फिर चढ़ना शुरू हुआ 1600 रुपये में प्रॉफिट बुकिंग करो, जहाँ बाय का सिग्नल आया काट दो सकते हैं। दोबारा फिर सेल का सिग्नल आया यहाँ पे 1480 रुपये पे, यहाँ बाय का सिग्नल अभी अभी आया है, इस रेट पे आया अभी आया, 1480 पे बेचा, 1280 रुपये पे बाय का सिग्नल आया, तो कितने प्रॉफिट, कितने कितना प्रॉफिट आया पर शेयर पे, 200 रुपये, 200 रुपये, 100 शेयर, चलो फ्यूचर में बिकेगा वैसे तो ये, बट अगर 100 शेयर भी लेके बंदा ट्रेड कर रहा हो तो 20,000 रुपया हो गया। तो कब आया था सिग्नल? फरवरी, 8 फरवरी 2023 को। बाय का ट्रेड कब आया? मार्च के अंदर, तो 8 फरवरी से लेके 8 मार्च, 10 मार्च, एक महीने के अंदर अंदर 200 रुपये छोड़ गया शेयर। 200 रुपये का मतलब है 1400 रुपये का शेयर है, 200 रुपये छोड़ने का मतलब है कि कम से कम 10% हो गया 140, कम से कम 16 से 17% का गेन दिया आपको एक महीने के अंदर अंदर। तो इस तरीके से आपको कभी भी मार्केट के साथ फाइट नहीं करनी है, आपको पहले मार्केट की रेंज पकड़नी है, क्लस्टर पकड़ना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको गेम खेलनी है। अब मैं एक और शेयर लेता हूं, आपने और भी बंदे काफी लाइन में हैं, सर इंडिकेटर कैन बी यूज इंट्राडे टाइम फ्रेम, कर सकते हैं ब्रदर, कर सकते हैं, बट टाइम फ्रेम छोटा रखना पड़ेगा, ये स्विंग ट्रेडिंग की क्लास है, मैं इंट्राडे भी बात नहीं करूंगा, मेरे से दोबारा कभी इंट्राडे की क्लास ले लेना, इंट्राडे भी सिखा दूंगा, ऑप्शन भी सिखा दूंगा, बट उसके लिए टाइम लगता है, क्योंकि जल्दबाजी ना कीजिए। इंट्राडे इज लाइक अ ड्राइविंग अ फार्मूला वन कार, पहले ऑल्टो चलानी सीखो, स्विंग ट्रेडिंग करनी सीखो, ठीक है ना, इंट्राडे के चक्कर में हाथ ना जलवा लेना। अब आपने भाई साहब ने बोला था हैवल्स, मैं हैवल्स की बात करूंगा, शेयर आपके, एनालिसिस अपने, ओके अब यहां देखते हैं। देखो मैं एक बार शेंडली को हाइड कर रहा हूं दोस्तों, ये है हमारा एक साल का डेटा हैवल्स का, हैवल्स का जो डेटा है इसके अकॉर्डिंग अभी ये शेयर क्लस्टर के अंदर ही खेल रहा, क्लस्टर के अंदर खेल रहा है ना, जब कोई शेयर इस क्लस्टर, प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करके यस और नो में बताओ, क्या ये क्लस्टर के अंदर है, यस और नो, अगर क्लस्टर के अंदर है यस टाइप करो, अगर नहीं है तो नो टाइप करो। एब्सोल्युटली राइट, क्लस्टर के अंदर है, और मैंने आपको सिखाया कि अगर क्लस्टर के अंदर है तो खिचड़ी पक रही है, खिचड़ी किस तरह पकेगी, वो क्लस्टर जब तोड़ेगा तब देखेंगे, ठीक है ना, अभी क्लस्टर टूटा नहीं है। जब क्लस्टर के अंदर है तो मैंने ये भी बताया था आपको कि भाई ये इसकी सपोर्ट मानी जाएगी और ये रेजिस्टेंस माना जाएगा, तो इसकी सपोर्ट कहाँ पे है, 1135 रुपये पे, और इसका रेजिस्टेंस कहाँ पे है, 1296 रुपये पे, राउंड फिगर लो 1290 रुपये। तो जिस भाई साहब का भी हैवल्स बाय है, जिस क्लस्टर कैसे, क्लस्टर को मैंने भाई स्टार्टिंग में बताया, इसकी रिकॉर्डिंग अगर आपको मिलेगी तो देख लेना। सो अब देखिए ध्यान से कि अगर आपका बाय है, जिस भाई साहब ने हैवल्स के बारे में पूछा था, अगर भाई आपका बाय है तो अगर ये क्लस्टर तोड़ गया, 1134 का रेट है, 1134 के नीचे क्लोजिंग दे गया, तो आंखें बंद करके निकल जाना, ठीक है, फिर रखने की जरूरत नहीं है। अगर बाय है, अगर बाय है, अगर बाय है तो 1290 का टारगेट लगा के बैठ जाना, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस फेस करेगा। जिस भाई साहब ने ये क्वेश्चन पुट किया था उसको आंसर मिल गया, प्लीज यस में टाइप करके आंसर बता दीजिए हैवल्स वाले को। इसमें अगर नहीं बना कुछ, कोई पोजीशन नहीं है तो कोई ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि क्लस्टर के अंदर है, क्लस्टर के अंदर अभी कुछ नहीं, कहीं जिस तरह ब्रेकआउट आने दो फिर ट्रेड लेना, ओके, ठीक है। अब मुझे आप कोई और शेयर नाम बताओ, फिर मैं किसी और शेयर की एनालिसिस करता हूँ। इंटरेस्टेड टीपी बाय का मतलब क्या होता है? इंटरेस्टेड सर, इंटरेस्टेड टीपी बाय, व्हाट इज टीपी सर? क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाओगी, आई डोंट नो इस, ओके
ये कंपनी जो है आप किनसे बात कर लीजिए, माइट भी मिल जाएगी। एनएमडीसी टू बाय अपोलो 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 ये क्या पूरा नाम था, सही टाइप करूँ यार, एनएमडीसी टाइप करते हैं, चलो एनएमडीसी। ओके आप देखो एनएमडीसी, ओके यहाँ देखते हैं, ये है एनएमडीसी का शेयर, एक साल का मैंने यहाँ लगाया 4, ठीक है। यहाँ देखो मेरी बात समझना, एनएमडीसी सर हैवल्स इंटू बाय अपोलो ट्यूब्स सर इंफोसिस, ठीक है, हैवल्स इंटरेस्टेड टू बाय, 1130 का स्टॉप लॉस लगा के बाय कर लो 1290 के टारगेट के साथ, ठीक है। अब देखते हैं एनएमडीसी का, अगर 1230 तोड़ा हैवल्स फेयर नहीं रुकने का, एनएमडीसी में हम देखते हैं क्लस्टर क्या कहा हमारा, ठीक है, ये है हमारा क्लस्टर एरिया, मैंने रेक्टेंगुलर सेलेक्ट किया, इट इज अ क्लस्टर ऑफ द एनएमडीसी। अब देखो इसने ऊपर गया, क्लस्टर तोड़ा, वही सपोर्ट लिया, अब क्लस्टर पे खेल रहा है। एनएमडीसी के अंदर आया है राइट इशू, मेरी बात ध्यान से समझना, और जिस शेयर में हो खबर वो किसी भी शेयर फट सकता है। अब मुझे आप यहां बताइए एनएमडीसी क्लस्टर के बाहर है या अंदर है, बस क्लस्टर के बाहर है या अंदर है, अगर बाहर है तो आउटसाइड लिखो, हाँ बाहर है, अगर इनसाइड है तो आप लिखो इनसाइड, तो आउट है, आउट है, ठीक है। अब आपसे मैं क्वेश्चन पुट करूंगा, आप आंसर दोगे, अगर चीज क्लस्टर के बाहर है ऊपर की तरफ तो क्या खेलना है, तेजी खेलनी है मंदी खेलनी है, बाय करके चलना है सेल करके चलना है, तेजी एब्सोल्युटली। अब मैं सिर्फ हिंदी की वर्ड यूज करता हूँ कि मैं मार्केट का बंदा हूँ तो मुझे इसी तरह बोलना आता है, एब्सोल्युटली। अगर मार्केट क्लस्टर के बाहर है तो यू विल बाय ओनली, बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आंखें बंद करके बाय कर लें या सिग्नल आने पे बाय करें, चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ, वेट फॉर ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट, देखो सिग्नल आने बाय करें एब्सोल्युटली। तो सिग्नल कैसे आएगा मैं आपको उसका आंसर दे रहा हूँ, यहाँ पे लगाओ शैंडलियर, शैंडलियर यहाँ सेल का सिग्नल आया, ये सेल नहीं मारना, याद रखना ये सेल नहीं करना क्योंकि क्लस्टर के अपर साइड है, इसको छोड़ दो, इस शॉर्ट ये शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी, बाय का इंतजार करना है, इसका बाय कब आएगा, यहाँ आएगा इसका बाय, इस कैंडल का हाई तोड़ने पे, इस कैंडल का हाई यहाँ देखो आप कितना, ओपन हाई लो क्लोज, इसका हाई कितना है, इसका हाई है 114.60, ध्यान दीजिए 114.60, अभी भाव कितना है 112.25, 111.30, यहाँ देखो 111.30 का रेट है, और इस कैंडल का हाई कितना है, इस कैंडल का हाई है 114.60, मैं इसको लिख रहा हूँ, हमने कह दिया इट्स मेकिंग लोअर हाइज, इट्स मेकिंग लोअर हाइज, अरे वो लोअर हाइज वो रिट्रेसमेंट बोलते हैं इसको, डोंट वरी अबाउट इट, यहाँ दिखते हैं। सो यहाँ पे अगर बात यहाँ आते हैं, ओवरऑल ट्रेंड इज अप बट वो प्रॉफिट बुकिंग आई है, प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद दोबारा अभी ट्रेंड डाउन नहीं हुआ, इट्स अ रिट्रेसमेंट, तो अभी प्राइस है 111.30 का, बट आपको बाय कब करना है, इफ इट होल्ड अबाउट 114.60, अगर एनएमडीसी 114.60 के ऊपर क्लोजिंग दे गया, क्लोजिंग बेसिस पे, अगर एनएमडीसी 114 रुपये के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आप यहां देखिए कि हमारा यहां पे बाय का सिग्नल आ जाएगा, जिस तरह यहां आता है, जब यहां बाय का सिग्नल आएगा तो आपको इसको करना है बाय, और जब तक बाय का सिग्नल चलेगा आपको करना है होल्ड, जब तक सेल का सिग्नल नहीं आएगा। क्या आप समझ गए हैं किस तरह ट्रेडिंग करनी है, क्लस्टर के बाहर है बाय करके चलना है, बट बाय का सिग्नल आने पे करना है, इज इट राइट, अगर आप समझ गए प्लीज यस टाइप कीजिए, यस अगर आप समझ गए हो कि यहाँ बाय आने पे हम ट्रेड लेंगे, ओवरऑल इज ओके दैट ओके ओके फाइन, ठीक है। सो गाइस ये था हमारा एनएमडीसी का एनालिसिस, क्लस्टर के बाहर है जब बाय का सिग्नल है तब लेंगे। देखो ऐसा हो सकता है, जैसे मैम अभी एक मैम बोल रहे हैं, इनका नाम मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, ये बोल रहे हैं एलिना खान क्या बोल रहे हैं कि लोअर लोज बना रहा है, यस शी कैन बी शी मे बी राइट, ये सही हो सकती है मैम, क्यों हो सकती है भाई, किसी ने वो भी तो ऊपर वाले को भी पता है ना कि ये शेयर जो है यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऐसा भी तो पॉसिबल है, ऐसा भी पॉसिबल है ये ऐसे ऐसे करके यहाँ नीचे अंदर इसके अंदर ही आ जाए, अगर इसके अंदर आ गया, अगर मान लीजिए इसके अंदर आ गया तो फिर हमारा जो ये शैंडलियर है ये भी इसके पीछे पीछे ऐसे ऐसे आता रहेगा, ठीक है ना। जब तक बाय का सिग्नल नहीं आता है तब तक बाय नहीं करना, बाय का सिग्नल आ गया तभी बाय करेंगे, माइट भी ये डाउन 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 तो होल भी डाउन आ सकता है, तो हमेशा दोनों चीजों को ही साथ में लेके चलना है, फर्स्ट
कैच द ट्रेंड विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम प्रोफाइल, ब्रेकआउट आएगा तभी एंट्री लेनी है, क्योंकि क्लस्टर में माल इकट्ठा करेगा ऑपरेटर, ब्रेकआउट आने पे दौड़ाएगा, जब ब्रेकआउट आ गया एंट्री देनी है शैंडलियर के हिसाब से। अगर आप इस चीज को एग्री करते मेरी बात से तो मैं आगे चलता हूँ, प्लीज चैट बॉक्स में यस करके बोलो, फिर मैं किसी और शेयर को लेकर चलता हूँ। सर स्टॉक बाय होल्ड वन डे और वन वीक रखना है, वन डे और वन वीक रखना है ब्रदर। वन डे तो होगा इंट्राडे, ठीक है ना, वो तो ये स्विंग ट्रेडिंग की क्लास है तो हमें स्विंग ट्रेडिंग पे फोकस करेंगे। इंट्राडे की आप मेरे से दोबारा कभी क्लास ले लेना, इंट्राडे की मैं दो तीन टेक्निक सिखा दूंगा, और कई बंदे मुझसे पूछ रहे हैं कि ऑप्शन का भी सीखना है तो मैं ऑप्शन का भी आपको बहुत तरीके से सिखा सकता हूँ, पर टाइम की कमी होने के कारण जितना मुझे आपको सिखा सकता हूँ। एपीएल अपोलो ट्यूब्स भाई तेरा भी ले लेते हैं, डोंट वरी, एपीएल अपोलो ट्यूब्स, ठीक है, एपीएल अपोलो ट्यूब्स, एपीएल अपोलो। ओके वन यहाँ ध्यान रखो, वन ईयर सेक्टर में, ओके ये है हमारा एपीएल अपोलो ट्यूब्स। अब इसका मैं क्लस्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, क्लस्टर इससे होगा रेक्टेंगल से होगा, ये सारी चीजें हम जब सिखाते हैं ना प्रॉपरली सिखाते हैं। अब देखो इसने एक बार ब्रेकआउट देने की कोशिश की एपीएल अपोलो ट्यूब्स, यहाँ पे 1200 इसका जो लेवल है 1250 का लेवल है, अगर 1250 के लेवल के ऊपर की तरफ नहीं तोड़ता तो तेजी नहीं पकड़ेगा, इसकी 1250 पे रेजिस्टेंस है। अगर 1250 तोड़ के ऊपर टिक गया और आपका शैंडलियर में बाय का सिग्नल आ गया, अब शैंडलियर में भी सेल चल रहा है, देखो ध्यान से सेल चल रहा है, शैंडलियर में बाय का सिग्नल आ जाए और अपर बैंड तोड़ जाए तो आंखें बंद करके अपोलो टायर अपोलो एपीएल अपोलो ट्यूब्स उठा लेना, और नीचे इस लाइन का लगेगा जब जब बाय का सिग्नल आएगा, जहां ये ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन आपकी होगी स्टॉप लॉस लाइन, और जैसे ही ग्रीन लाइन को कट करेगा वहां प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। तो ब्रदर आप अब एपीएल अपोलो ट्यूब पूछा आपने तो उस केस में गुरंग चौहान जी, सो अभी 1250 के ऊपर इसका ब्रेकआउट टिका हुआ है, जिस दिन ऑपरेटर आएगा 1250 के ऊपर लेके जाएगा तो दो चीजें क्लियर हो जाएंगी, एक तो आपका शैंडलियर में बाय का सिग्नल आ जाएगा, आपको स्टॉप लॉस के लेवल पता चल जाएंगे, नंबर टू ये अपना क्लस्टर तोड़ के बाहर आ जाएगा। अभी इसने एक बार तोड़ा यहाँ पे कोशिश की बट फिर अंदर आ गया, तो अभी आपको क्लस्टर के बाहर जाने का इंतजार करना है, जब तक 1250 की लेवल नहीं टूटते तब तक आप इसमें नई एंट्री मत बनाइए। अगर 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 आपने बाय कर रखा है तो मैं एडवाइस करूंगा कि एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि अभी सेल का सिग्नल चल रहा है, क्योंकि अगर ये डाउन गिरा, अगर नीचे गिरा, इसकी सपोर्ट पीओसी लाइन पे है जो कि तकरीबन 1100 रुपए पे सपोर्ट मिलेगी, तो अगर यहाँ से क्रैश होता है तो 150 रुपए की गिरावट है, अगर हाई तोड़ गया 1250 तो नया हाई बनाएगा, वो सारा आप उस केस में देख सकते हो। तो अभी एपीएल अपोलो ट्यूब अगर आपको क्लियर हुआ तो आगे चलते हैं। एक और बंदा पूछ रहा है, सर यू आर प्रीचिंग इन अ वेरी सिंपल येट सीम इफेक्टिव, आई वुड लाइक टू डेफिनेटली मीट यू प्लीज। चलो वो बात की बातें हैं, प्लीज रिपीट अगेन, अभी भाई रिपीट मेरे में उसमें ताकत नहीं बची, मैं 1.5 घंटे से बोल रहा हूँ, रिपीट वाला काम मत पूछो, ठीक है। अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, वो है रिस्क मैनेजमेंट। भाई कोई भी बिजनेस है, दुनिया का कोई भी बिजनेस है वो कभी भी हाई रिस्क पे नहीं चला कर सकते, हाई रिस्क पे सिर्फ गैम्बलिंग होती है। जब तक आपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया, अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया तो आप जो है वो कभी भी मार्केट से बाहर हो सकते हो। यहां देखा गया कि लोग 1000-1000 रुपये कमाते हैं और एक ही ट्रेड में 10000 रुपये का लॉस खाते हैं, ये रिस्क मैनेजमेंट थोड़ी है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि प्री डिफाइन करना, प्री डिटरमाइन करना कि कितना लॉस हो सकता है। तो दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट क्या है, एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूँ जो है पीसीआर फॉर्मूला, पीसीआर। अगर आप मेरा आज ने आपने लेक्चर सुना और ये रिस्क मैनेजमेंट नहीं समझा तो कोई फायदा नहीं है, छोड़ दो, क्योंकि वहां भी लॉस खाओगे, फिर सिग्नल 100% एक्यूरेट मिलेगा तब भी लॉस खाओगे। बट अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट समझ लिया तो 50% की एक्यूरेसी से भी प्रॉफिट कमाओगे, क्योंकि आपके लॉस होंगे छोटे, प्रॉफिट होंगे बड़े, ध्यान रखना। पीसीआर फॉर्मूला के अंदर पी का मतलब है पोजीशन, पोजीशन, सी का मतलब है कैश टू लूज, और आर का मतलब है रिस्क पर शेयर। तो भाई पोजीशन कितनी लेनी है, इसका फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय आर। कितने शेयर खरीदने हैं, मान लीजिए आपने प्री डिटरमाइन करना है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चलो आप बताइए कि आप कितना रिस्क लेकर ट्रेड करना चाहते हैं, 1500-2000 रुपया टाइप करके बताओ, आप 500 रुपये का रिस्क लेकर ट्रेडिंग करना चाहते हो, 1000 रुपये का, 2000 रुपये का, टाइप कर दो बस।
200 रुपए का, 50 रुपए का, 1000 रुपए का, 1,00,000 रुपए का टाइप करो बस पढ़ाओ। एक ही ने टाइप किया सुविंदु 2000 रुपए 500 रुपए, ओके और टाइप करो 2000 रुपए 500 रुपए, रोजी 5000 बोल रहे हैं विजिट, चलो ठीक है बस और मैं टाइप करना। मैं कहता हूँ कि चलो एक एवरेज ले लेते हैं कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप 2000 रुपए का रिस्क लेकर ट्रेड करना चाहते हो, आप कहते हो मेरा एक ट्रेड में अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो तो 2000 रुपए का लॉस हो, ठीक है। इट मींस जो आपका सी है, आपने सी है कैश टू लूज, कि आपने पहले बोल दिया कि मेरा 2000 रुपए का लॉस होना चाहिए, ठीक है। तो सी है आपका 2000 रुपीज। आर है आपका स्टॉप लॉस पॉइंट। मान लीजिए कि अगर आप कोई शेयर बाय कर रहे हो 100 रुपीज पे और उसका स्टॉप लॉस है 80 रुपए पे, आपका बाय प्राइस है 100, स्टॉप लॉस है 80 रुपए, तो एक शेयर के प्रति आपका 20 रुपए का लॉस है ना, इज इट राइट। तो आपका आर हो गया 20 रुपीज। आर का मतलब है रिस्क पर शेयर। तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया पी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय आर, तो पी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय आर, तो ये बन गया कितना, ये बन गया हमारा 100 शेयर, तो आपको 100 शेयर ही बाय करने। तो भाई अगर आप 100 शेयर बाय करोगे, तो अगर आप 100 शेयर बाय करोगे तो 80 रुपए पे, सॉरी 100 रुपए पे, और अगर 80 रुपए का स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपका सिर्फ 2000 का नुकसान है जो आपने प्री डिटरमाइन किया। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, जो थोड़े पुराने खिलाड़ी हैं, जो 1 साल हो गया 6 महीने हो गए हैं, आप जब ट्रेड लेते हो ऐसा हुआ है कभी 2-3 ट्रेड में सारा अकाउंट चौपट हो गया हो? जो थोड़े एक्सपीरियंस है मुझे आंसर दीजिए कि 3-4 ट्रेड में ही सारा अकाउंट साफ। रोहित जी बोल रहे हैं ऐसा मेरे साथ हुआ है। और बताइए कि जिसने 2-3 ट्रेड किए सारा, मतलब पूरा पूरा का पूरा, मतलब ये नहीं है सारा ही जीरो, मतलब 50-60% अकाउंट लॉस में चला गया, ठीक है ना, ऐसा होता है बहुत। मान लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपीज है, आपके पास 1,00,000 रुपीज प्रिंसिपल कैपिटल है, आप 2000 का रिस्क लेकर ट्रेड करते हैं एक ट्रेड पे, तो आपके 50 ट्रेड अगर रॉन्ग जाएंगे तो आपका अकाउंट जीरो होगा। कितने ट्रेड गलत जाएंगे, 50। भाई 50 ट्रेड किसी के गलत नहीं जाएंगे, शर्त लगा लो। अगर आप सिंपल इस टेक्निक से काम करोगे कभी भी अकाउंट जीरो नहीं होगा, उल्टा थोड़े दिन के बाद आपकी लाइन पटरी पे आ जाएगी, आप प्रॉफिट जनरेट करना सीख जाओगे। मेरी बात को फॉलो कीजिए। बट अगर आपने कभी ये डिसाइड ही नहीं किया मेरा कितना लॉस हो सकता है, आंखें बंद करके लॉट उठा लिया, वो 20 रुपए गिर गया, 10,000 रुपए 20,000 रुपए उड़ गया कि ट्रेड में, तो फिर कुछ भी हो सकता है ना। तो रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके अंदर आपको पीसीआर फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया वो फॉलो करना होगा, पी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय आर। तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि व्हाट इज माय रिस्क, मैं कितना लॉस करना चाहता हूं, उसके डिवाइड करना है मेरा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है, उतने शेयर ही लेने हैं। अगर आपका स्टॉप लॉस लग गया तो आपने जो उतना ही लॉस, आप उतना ही लूज करोगे जितना आपने डिसाइड किया था। तो आप अंधे नहीं हो जाओगे, अंधे लोग इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो ट्रेड लेने से पहले डिसाइड ही नहीं करते, जब 1,00,000 रुपए का फटका लगता है फिर आंखें अंधे अंधा अपने आप ही होना है बंदे ने। सो यू हैव टू डिसाइड द रिस्क, प्री डिटरमाइन करना है दिस इज माय रिस्क। अब अगर आप 2000 का रिस्क लेकर ट्रेड कर रहे हो एंड आपके पास 1,00,000 रुपया है, तो भैया 50 गलत ट्रेड करोगे तब जीरो हो गए। भैया 50 गलत ट्रेड एक साथ किसके आएंगे, किसी के भी नहीं, 2-3 गलत हो सकते हैं, एक तो ठीक आएगा ना। सो दैट इज द मेन फंडा टू सर्वाइव इन टू द मार्केट। दोस्तों मैंने आपके साथ 2-3 चीजें शेयर की, ठीक है ना, जस्ट वन में आपके मैंने साथ, मैंने यस बैंक एट मी व्हेन इट क्रैश्ड, वो इसलिए देखो आपने ट्रेड लिया और वो गिरता चला गया, कोई एग्जिट पॉलिसी नहीं है, कोई क्वांटिटी का खेल पता नहीं है, हम एवरेजिंग कर रहे हैं और गिरता जाएगा और अभी अब उठेगा। सो वो चीजें कामयाब नहीं होने वाली, इसलिए एक सही ट्रेडर के साथ काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो मैं अगर मान लो मैं न्यूरोसर्जन बनना है, मैं डॉक्टर बनना है, तो मुझे मेडिकल की स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है ना, मुझे किसी डॉक्टर के अंडर गाइडेंस में काम करना पड़ेगा, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। ट्रेडिंग उससे भी खतरनाक काम है, ये पैसे का खेल है, नगद पैसों से खेलना है। तो यहाँ बंदे 2-4 खबरें सुनी, टीवी देखा, बन गए ट्रेडर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यू शुड मतलब लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, उसकी गाइडेंस में अगर आप 1 महीना करोगे वो आपकी गलतियां पकड़ेगा, आपकी गलतियां बताएगा, तब जाके आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। तो गाइस मैंने आपसे जो चीज़ें डिस्कस की, अगर ये चीज़ें आपको पसंद आएंगी तो प्लीज़ एक बार चैट बॉक्स में यस जरूर टाइप कर दो। यहाँ आपने जो सही चीज़ बताई वो हमारे काम की थी, हमें सब पसंद आई वो चीज़ें, ठीक है ना, एब्सोल्युटली राइट। आई होप, क्योंकि मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो सिंपल टर्म्स में बताई हैं। देखो चीज़ें बनाने को मैं जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड बना दूँ, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें पढ़ाने के लिए तो सही है, बट प्रैक्टिकल काम नहीं आती वो चीज़ें। प्रैक्टिकल काम वही चीजें आती है जो सिंपल होती है। सिंपल अप्रोच इज बेस्ट अप्रोच।
सो गाइस अभी मैं आपसे जो अपने इस टीम के जो क्लास के होस्ट हैं मैं उनको देना चाहूंगा, और अगर आपका कोई डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो, आपको वो मौका देंगे मेरे साथ बात करने का, जस्ट बने रहिए। थैंक यू सो मच सर, आपका सेशन बहुत अमेजिंग था सर, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल गया सर। थैंक यू सर, ओके बाय। तो यार क्विकली मैं अपनी शेयर स्क्रीन करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। So basically, Digvijay, the students are asking ki how they can get the recording of the class. Have you any the recording will be shared after the class. जब भी class खत्म हो जाएगी, आपको group पे recordings मिल जाएगी। Please सभी को recording जरूर दे दीजिए, क्योंकि recording बहुत जरूरी है। बंदे का दिमाग कुछ हद तक सुन सकता है, but after some time they need recording. हर बंदे को मैं आपसे make sure करूँगा कि recording मिलनी चाहिए सभी को, ठीक है ना? सर सबको recording मिलेगी इस class के बाद। ग्रुप पे सबको रिकॉर्डिंग मिलेगी सर। देखो हमारा कुछ छुपाने वाला काम ही नहीं है, मार्केट में पैसे देना है, सारे कमाना है, दिक्कत क्या किसी को? सही बात, अग्री सर। गाइस बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं एक पोल लॉन्च कर रहा हूँ, इट इज नेट एनपीएस, आपकी स्क्रीन पे आई गेस विजिबल होगा एक एनपीएस, दिस इज द नेट प्रमोटर स्कोर, और आप प्लीज मुझे ये रेट करिए कि आपको ये क्लास कितनी अच्छी लगी, और क्या आप ये क्लास दूसरे लोगों को भी रेकमेंड करना चाहेंगे। अगर आपको अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, तो 10 रेट कीजिए, अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो 1 रेट कीजिए, फिर हम अपनी तरफ से ट्राई करेंगे कि और ज्यादा अच्छी क्लास हो सके। आई एम गेटिंग गुड रिस्पॉन्स, 44%, ओ माय गॉड 50-30, ठीक है, आई एम गेटिंग वेरी नाइस रिस्पॉन्स, 36% लोगों ने 10 रेट किया है। गाइस थैंक यू सो मच, अब मैं पोल एंड करता हूँ, और एक कुछ लोगों ने गलती से एक दबा दिया होगा क्योंकि पहले एक ही आ रहा था ऊपर। राइट, कोई बात नहीं। तो गाइस मैं आपको ये अगर ये चीज कहूँ कि आपको एक अगर आपके पास कमल प्रीत सर आपके एक मेंटर बन जाए और आपको एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाए, तो आपको कैसा लगेगा इनसे सर से सीख के? चैट में मुझे बताओ अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाए जहां पे कमलप्रीत सर भी एडिट रहेंगे, जहां पे उनका आपको नंबर मिले और एक और आपके लाइव सेशन भी उनके साथ शेयर हो, जहां पे आप जैसे ही आप प्रीमियम ग्रुप में ऐड हो, और कुछ नहीं चाहिए हो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आई एम गेटिंग रियली ग्रेट रिस्पांस। तो यार अब मुझे बताओ अगर आपको एक लाइव सेशन जहां पे आपको अनम्यूट भी किया जाएगा, यहां पे आप मे भी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो अभी, बट इमेजिन अगर आपको सर के साथ लाइव इंटरेक्शन मिले, लाइव सेशन मिले जहां पे सर आपको खुद पढ़ाए, जहां पे आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन मिले, और जहां पे सर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करे, तो आपको कैसा लगेगा? लाइव मार्केट के अंदर, या लाइक सर विल बी शेयरिंग हिज लाइव ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और मार्केट के अंदर, या मुझे चैट में जल्दी बता दो। कम ऑन, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ठीक है ठीक है। तो यार इतना अच्छा रिस्पॉन्स देख के मैं आपको एक ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ। दिस विल बी अ स्विंग ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम बाय कमलप्रीत सर, जहां पे आपका कोर्स 30 डेज का रहेगा, 30 डेज जहां पे आपकी लाइव 10 लाइव सेशंस रहेगी सर के साथ, जहां पे आप जूम में अनम्यूट कर सकते हो और सर से बात कर सकते हो, आपको जितना भी डाउट है आप सर से पूछ सकते हो, और साथ ही साथ आपको 6 टेस्टेड स्ट्रेटजीज मिलेगी, और आपको वीकली असाइनमेंट्स भी मिलेगी, प्लस आपको एक 1 ईयर सपोर्ट मिलेगा TFU की तरफ से, और आपको जितनी भी ये लाइव क्लासेस रहेगी इसकी लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा आपको रिकॉर्डेड सेशंस का, तो आपको कैसा लगेगा? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आई एम गेटिंग रियली ग्रेट रिस्पांस, ग्रेट ओके। तो यार मैं आपको एक आपको मैं क्विकली प्राइस बता दूंगा इस मेंटरशिप का, बस आप मुझे एक बार बताइए कि आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि कितना प्राइस होगा ये इस मेंटरशिप प्रोग्राम का, कितना प्राइस लगता है आपको? मैं आपको ये बता दूं ये मेंटरशिप प्रोग्राम सब के सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। ओके अनंत राज सिंह सेइंग इज 5000 और 50k सर इतना ज्यादा। ओके तो यार मैं आपको बता दूं इस क्लास का प्राइस है 5000 रुपीज। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आपको अगर सर आप सिलेबस बता पाओ इस जो आप पढ़ाएंगे इसका। तो बेसिकली ये सारा जो ट्रेडिंग रहेगा लाइव ट्रेडिंग सेशंस रहेंगे, जो रियल टाइम वर्किंग स्ट्रेटजीज हैं, जिस भी तरह का ट्रेडर होगा अगर वो इंट्राडे करना चाहता है तो इंट्राडे में उसको काम करवाऊंगा, अगर वो बंदा बोलेगा कि मुझे हफ्ते का ट्रेडिंग चाहिए हफ्ते के हिसाब से ट्रेडिंग करेंगे, अगर वन वी मंथली टारगेट लेके चलना है कि मंथ में मुझे इतना अर्न करना है तो आई विल हेल्प हिम टू अचीव हिज टारगेट्स,
सो आई विल शेयर माई रियल वर्किंग स्ट्रेटजीज, मैं भी साथ में ट्रेडिंग करूंगा, वो भी करेंगे, जहां वो गलती करेंगे मैं वो पकड़ूंगा, ठीक है ना, और उस गलती को सुधारने में उनकी हेल्प करूंगा विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, विद प्रॉपर जो हमारे प्रीमियम टूल्स हैं वो सारे उनके साथ शेयर करूंगा. सो आई विल हेल्प देम टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर, वो मेरी गाइडेंस के अंदर वन मंथ काम करेंगे, ठीक है ना, दैट्स ऑल. ठीक है, तो मैं क्विकली एक समराइज करवा देता हूँ. जहां पे इस प्रोग्राम में आपको 10 लाइव सेशंस मिलेंगे और इसमें 6 टेस्टेड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज मिलेगी. आपको व्हाट्सएप ग्रुप का एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस रहेगा, जहां पे कमलप्रीत सर भी रहेंगे. कमलप्रीत सर का आपके साथ कॉन्टेक्ट नंबर शेयर होगा और 1 ईयर सपोर्ट मिलेगा आपको TFU की तरफ से. सेकेंडली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मान लीजिए आप काम कर रहे थे और आप क्लास नहीं लगा पाए या फिर आप बूट कैंप नहीं लगा पाए, तो आपको फ्री रोल ओवर मिलेगा अगले बूट कैंप के लिए जो भी हमारा स्टार्ट होने वाला होगा. ठीक है, तो यार मैं आपको क्विकली अब प्राइस पे ले जाता हूँ. इस मास्टर क्लास का प्राइस है, इस बूट कैंप का प्राइस है 5,000 रुपए. बट आज आपको, आपने ये 2 घंटे दिए हमें, तो आपको इस प्राइस आपको 2497 प्राइस में आपको ये बूट कैंप मिलेगा. लिंक आपके साथ शेयर हो जाएगा चैट में, या आप देख सकते हो TFU सपोर्ट ने आपके साथ लिंक शेयर कर दिया है. आप UPI भी कर सकते हो, आपको लिंक मिल जाएगा UPI का भी, और साथ ही साथ आप रेजर पे भी कर सकते हो. मोर ओवर दिस, आपका जो ये बूट कैंप रहेगा 9 मई से स्टार्ट हो जाएगा और आपके साथ 3 कॉम्प्लीमेंट्री बुक शेयर की जाएगी, जिस जो आपको बहुत 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 काम आएगी जब आप ट्रेडिंग करोगे. और यार मैं एक और चीज बता दूं, ये जो हमारा बूट कैंप है ये फर्स्ट 10 एनरोलमेंट्स वालों के लिए ही है सिर्फ. ठीक है, अगर आप फर्स्ट 10 एनरोलमेंट्स में आ जाते हैं तो आपको ये बूट कैंप ओनली 2497 रुपीज का मिलेगा, 2500 से भी कम. 2500 रुपए में आपको एक सर का मेंटरशिप प्रोग्राम मिल रहा है, जहां पे आप सर के साथ बात कर सकते हो, सर किस लाइव सेशन दिखाते हो. और मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये जो डिस्काउंटेड प्राइस है ये सिर्फ और सिर्फ इसी मास्टर क्लास तक रहेगा. अगर आप इस मास्टर क्लास के बाद पेज पे जाते हो, हमारे पेमेंट पेज पे जाते हो, तो आपको ये प्राइस 5,000 रुपए वापिस, आपका जो ये कोर्स का प्राइस है ये 5,000 रुपए हो जाएगा. तो यार जितने भी डाउट्स है, जो ये TFU सपोर्ट आपको बताते जाएंगे जितने भी एनरोलमेंट्स हो रही है, ठीक है, और जितने भी ये डाउट्स है आप अभी सर से पूछ सकते हो. मैं एक एक करके आपको अनम्यूट करूंगा, अपना हैंड रेज कर सकते हो और मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दूंगा. और मीनवाइल आप TFU सपोर्ट